मार्क्स को पढ़ेंगे, और जैसा कि अपनी मोटिवेशन लाइन जो हमेशा आपके लिए रहती है कि सफलता का जो रास्ता है मेहनत व ईमानदारी की पटरी से होकर ही जाता है। यानी अगर आपको सफलता की ओर जाना है, आपको सफल होना है, आपको बेहतर नंबर लाना है, तो इसके लिए रास्ता वहीं से गुजरता है जहां से सफलता नजर आती है, यानी मेहनत और ईमानदारी। तो बिल्कुल जैसा कि हर बार कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी का मतलब ये है कि मेहनत के साथ साथ आपको ये खुद को सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि मैं काम सही ईमानदार से कर रहा हूँ, तभी सफलता सुनिश्चित होती है। तो बिल्कुल, तो जैसे बुक्स हैं कोई, तो उसमें तो कहा जाता है ये 5 यूनिट के हैं, लेकिन अगर सिलेबस को देखें तो 4 यूनिट है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये 4 यूनिट को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो 4 यूनिट का कॉल मार्क्स है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और अपनी क्लास को आज महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम जो भी इंपॉर्टेंट कॉल मार्क्स से जुड़े प्रश्न आएंगे उन सभी को हम यहाँ पे सारांश रूप में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि एक अपना ये आएगा एग्जाम में कॉल मार्क्स का, इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। समझ में आ गया, कॉल मार्क्स के विचारों में एक इनका जो प्रसिद्ध विचार है वह है इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या। बिल्कुल आपको पता होगा ये, और इसी को हम आज समझने वाले, क्योंकि ये आपके मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए है ना उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है, तो ये प्रश्न आपके नंबर लेके आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कॉल मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको पहले ही लिख दी है, इनकी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी जो साम्यवादी जो विद्वान यानी सो समाजवादी है जो विद्वान है जो कॉल मार्क्स को मानते हैं उनके लिए ये एज अ बाइबिल की तरह इंपॉर्टेंट है, यानी इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कॉल मार्क्स के विचारों को फॉलो करते हैं। इसके अलावा द होली फैमिली 1844 है, दास कैपिटल, ये इनकी अदर बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है दास कैपिटल, क्योंकि जब हम आगे विचारों को समझेंगे तो काफी बार दास कैपिटल का जिक्र आएगा। एंड द लास्ट जो मतलब अदर इंपॉर्टेंट है वो है गोथा प्रोग्राम। तो अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी पुस्तक है कॉल मार्क्स की जो पूछा जा सकता है कि कोई भी एक पुस्तक आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं आगे, जैसे कि आपको बताएं तो कॉल मार्क्स ने कहा कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं देखें तो आर्थिक तत्व मौजूद है। कहता ना कि आज के समय इंसान जो भी करता है वो इसके लिए करता है, समझ में आ रहा है ना, यानी आप उठने से लेकर पेन या मतलब और कोई भी जो काम करते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना या पैसा इकट्ठा करना कहीं ना कहीं। तो कॉल मार्क्स का यही बात यहाँ पर इसके विचारों में आती है। तो कॉल मार्क्स ने कहा कि आज तक का जो अब हम बात करें इस इतिहास को लेकर, तो इस इतिहास में कहीं ना कहीं हम आर्थिक तत्वों को देखते हैं, और इन इतिहास में यानी आज तक का जो इतिहास है इसमें हमेशा देखा गया है कि दो वर्ग हुए हैं और इन दो वर्गों के मध्य आर्थिक संबंधों के आधार पर संघर्ष हुआ और इतिहास बनता गया है। तो इतिहास के पीछे आर्थिक तत्व मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। तो यहां पर यही लाइन आपको समझना है, इतिहास में होने वाला परिवर्तन यानी जो आज तक का इतिहास बना है उसमें इतिहास बदलता रहता है। तो इस बदलते इतिहास की अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो उस इतिहास के अंतर्गत आर्थिक घटनाएं ज्यादा होती है, यानी आर्थिक घटनाओं की वजह से आपको ये पता होगा कि कॉल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक आधार पर विवेचना की है या समझाया है। तो कॉल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक आधार पर कितनी अवस्थाएं बताई है ये आपको पता होगा, ये आप सभी को पता होगा, जो जल्दी मुझे बताइए, क्योंकि यही है जहां से आपको ये पूरा का पूरा जो मैं समझाने वाला हूं वो समझ में आएगा। तो कॉल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या की है, तो कितनी अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया है और उस अकॉर्डिंग बताया है कि आज तक इतनी अवस्थाओं के अंतर्गत इतिहास गुजरा है चरण बाय चरण, और इसमें जो 6 एज बताइए, कितनी बताइए, 6 एज यानी अलग अलग अवस्थाएं, तो 6 अवस्थाएं बताइए। और कॉल मार्क्स ने इन 6 अवस्थाओं के आधार पर इतिहास की
श्रेणी और इतिहास को समझाया है और इस आधार पर इन्होंने आर्थिक तत्वों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कॉल मार्क्स ने कहा कि आज तक का जो इतिहास है उसमें आर्थिक तत्वों की वजह से ही ये इतिहास बदल रहा है और आज तक के देखा जाए शुरुआत से लेकर आज तक तो इसमें आज तक इतिहास में 6 एजेज आई है, 6 एज है उस अकॉर्डिंग इसमें बदलाव हुआ। तो मैं आपको 6 एज के बारे में बताने वाला हूँ कि अलग अलग अवस्थाएं इतिहास की आर्थिक आधार पर अगर व्याख्या करें तो कॉल मार्क्स ने 6 अवस्थाएं बताई है। कितनी बताई है? 6 अवस्थाएं जिनका मैं यहाँ पे वर्णन करूंगा। से अवस्थाएं बताइए। तो पहले देखिए आपको ये जब बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको क्या नोट करना है, इंपोर्टेंट है इसलिए। पहली अवस्था है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था का मतलब मानव इतिहास की सबसे पहली एज जिसको हम कहते हैं ना आदि मानव की अवस्था कहते हैं, तो सेम वही नाम है। देखिए आदिम साम्यवादी अवस्था, साम्यवादी का मतलब यहां पर कोई किसी भी वर्ग का प्रभुत्व नहीं होता कि एक दादागिरी वाला पैसों वाला एक होता है और दूसरे कमजोर होता, नहीं। ये वो अवस्था थी जो शुरुआत होती है शून्य से होती है जिसमें कोई भी शक्तिशाली या कोई भी निर्बल नहीं होता, सभी अपने अपने स्तर पर होते हैं। तो इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या के अंदर क्या क्या कि इतिहास की शुरुआत तो सबसे पहले आदिम साम्यवादी अवस्था से शुरू होती है क्योंकि उस समय न कोई वर्ग विभेद होता है न किसी का शोषण शोषित शिकार वगैरह होता है। तो ये वो अवस्था होती है जिसको हम साम्यवादी आदिम साम्यवादी अवस्था कहते हैं। तो इसकी कुछ बातें हैं जो मैं आप फटाफट से इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बताते हैं कि इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं होती है, यानी हर एज की मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको वो लिखना है। शुरुआत अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज की हम बात करें, ठीक है, और इसके अंतर्गत निजी संपत्ति नहीं होती। अब निजी संपत्ति होगी कैसे? आपको पता है एक सिंपल थिंग से कि मानव जब शुरुआत में था आदिवासी अवस्था में या आदिम अवस्था में गए तो उसमें उनके पैसों संग्रह की मतलब कहते ना कि वो इकट्ठा करने की उसमें कोई मनोकामना इच्छा नहीं होती थी, ना उसके पास संयुक्त परिवार होता था, ना कोई ऐसी सिस्टम व्यवस्था होती थी। यानी वह जैसे आया स्वतंत्र अवस्थित्व में रह रहा तो अपना जीवन यापन ऐसे करके अकेला आया, अकेले जाने की व्यवस्था हुआ करती थी। तो वो अवस्था जो हम कहें शुरुआती अवस्था, तो इस अवस्था में सभी इक्वलिटी बराबरी थी इसलिए साम्यवाद कहा गया है। और ये शुरुआती अवस्था थी, इसमें निजी संपत्ति जैसा कोई तत्व नहीं था और नहीं हम कहें कि संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार का अभाव, क्योंकि हर एज के बारे में मैं आपको जो नोट करा रहा हूं ना आपको वो समझना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा वाला प्रश्न आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें भी मैंने इसको दिया है और वापस करवा रहा तो ये आ सकता है, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें तो ये वो अवस्था थी जब जो व्यक्ति है वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। तो अब ये फर्स्ट एज तो आपको समझ में आ गई होगी, आदिम अवस्था। बिल्कुल आदिम अवस्था में यही है कि इसमें किसी भी तरह का शोषण नहीं था क्योंकि सभी एज किसी में ये महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं उसे शक्तिशाली बनूं ये बनूं वो बनूं। तो इस तरह से इस एज में तो संघर्ष नहीं होता है नहीं तनाव होता है क्योंकि ये एज है वो एक सामान्य एज होती है और इसमें व्यक्ति अपने स्तर पर जो प्राप्त होता है उससे गुजारा करता है। तो इस अवस्था की मैंने बात बताई, शुरुआती अवस्था होती है, इसमें निजी संपत्ति नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त परिवार पड़ता नहीं होती है तो संग्रह की स्थिति भी नहीं पाई जाती और नहीं शक्ति संघर्ष होता है और प्राथमिक वस्तुओं से यहाँ पर लगा होता है यानी गुजारा प्राथमिक वस्तुओं से होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे प्रियंका बिल्कुल आपने सही बताया। फिर दूसरा यानी इतिहास का एक स्टेप बाय स्टेप बताया कॉल मार्क्स ने इतिहास को आज तक के इतिहास से जो आज का जो यानी ना कि आज तक हम इतिहास में जहां पर पहुंचे हैं तो हर अलग अलग एज आई है उसमें। तो इसी तरह सेकंड एज बताई कि आर्थिक तत्व। अब यहां पर आर्थिक तत्व का मतलब है कि व्यक्ति अपने आर्थिक तत्वों की वजह से संचालित होता है, ठीक है। बिल्कुल निकित वेलकम, अभी क्लास जस्ट शुरू हुई है तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था के अंतर्गत, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अवस्था को कहते हैं दास अवस्था। क्या कहते हैं? दास अवस्था। देखिए अब दास अवस्था क्यों कहते हैं,
क्योंकि पहले पहली अवस्था में आदिम अवस्था थी, न किसी का कुछ शोषण हो रहा था, न कुछ भी नहीं होने वाला था, यानी पूरी सामान्य पड़ी वैसी अवस्था थी। लेकिन सेकंड एज में क्या होता है कि कुछ शक्तिशाली या कुछ थोड़े से महत्वाकांक्षी लोग क्या कर देते हैं, अपने अधिकतर जमीन जायदाद वगैरह उस पर कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने इस प्रभाव और शक्ति के बल पर वो दूसरों को अपने अंडर में काम करवाते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है, सेकंड एज से शुरू होता है पूंजी तत्व का विचार कि निजी संपत्ति होनी चाहिए। तो निजी संपत्ति का विचार कब से शुरू होता है, सेकंड एज से होता है। और इसी एज के अंतर्गत एक वर्ग मालिक की श्रेणी में आता है और इसी के अंडर करने वाले दूसरे वर्ग हैं वह दास की कैटेगरी में आते हैं। यानी यहाँ से ही हम कहें कि शोषण की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, शोषण की। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर कॉल मार्क्स ने कहा कि भाई ये सेकंड एज थी जहाँ से निजी संपत्ति का विचार दिमाग में आता है। क्योंकि इससे पहले निजी संपत्ति को यहाँ पर ये बताना है, पैसों की व्यवस्था बता रहा हूँ, क्योंकि समाज में दुर्भावना या दुर्व्यवस्था या फिर शोषण कब होता है, जब पैसे होते हैं। पैसों की वजह से ही रिश्ते नाते कहें, परिवार, इतिहास, हिस्ट्री, कल्चर जो भी कहें, वो बदलाव होता है। तो इस एज में निजी संपत्ति का लोगों के विचार में आया कि जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास जमीन जायदाद होगी वो राज करेगा, और जो जिसके पास नहीं होगा वो दूसरों के अंडर में रहकर काम करेगा। तो ये निजी संपत्ति का विचार जब उन एज में उन लोगों के मध्य दिमाग में आया, तब उन्होंने इस पर ध्यान देने लगे, और इसी वजह से यहाँ पर निजी संपत्ति का विचार आया। और श्रम विभाजन यहाँ से समझा गया। श्रम विभाजन का मतलब है कि एक है वो, कहने का मतलब जो ज़्यादा मेहनत करने वाला है वो ज़्यादा अधिकार करके ज़्यादा संपत्ति या ज़्यादा भूमि पर अधिकार कर लेगा, और इस तरह से उसके अंडर में दूसरे हैं वो उसके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति होंगे। तो श्रम का विभाजन हो गया, एक श्रम यानी एक मेहनत का एक श्रम का विभाजन है, वो उच्च वर्ग का हो गया, दूसरा निम्न वर्ग का हो गया। तो यहीं से दास और मालिक की श्रेणी स्टार्ट होती है। कहाँ होती है, दास और मालिक की। तो अगर आपको कहें तो इस अवस्था में ये हम कहेंगे कि इस अवस्था के अंदर जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया गया वो तो बनके मालिक, और जो उस समय किसी भी भूमि क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाए वो बन गए किसी के गुलाम बन गए। तो इस एज को अगर देखा जाए तो इस एज में क्या हुआ, इस एज के अंतर्गत जो आदिम अवस्था में क्या प्राप्त थी, स्वतंत्रता। क्या प्राप्त थी, स्वतंत्रता। यानी पहली एज में व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, या हम कहें स्वतंत्रता प्राप्त थी, स्वतंत्रता और समानता, वह स्वतंत्रता और समानता है वो इस एज में आके खत्म हो जाती है। और इसी एज में आकर क्या होता है, इसी एज में आकर मालिक और स्वामी संबंध तय होते हैं, मालिक एवं नौकर। ठीक है, ये वो स्थिति। अब यहाँ पर क्या बताया, पैसों की वजह से। देखिए, निजी संपत्ति का विचार आया, निजी संपत्ति के विचार आने से लोगों में अपने अपने श्रम के प्रति अलग अलग विभाजन हो गया, एक मालिक और एक नौकर की भूमिका हो गई। और यहाँ पर जो पहली अवस्था में व्यक्ति को आज़ादी और समानता थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि शोषण और शोषितों की व्यवस्था हो गई, यानी मालिक और नौकर की व्यवस्था हो गई, तो स्वतंत्रता समानता है वो छीन गई। और इस एज को अगर देखें तो यहीं से दो वर्ग अस्तित्व में आते हैं। कौन से वर्ग आते, दो वर्ग। यहां से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉल मार्क्स ने कहा है कि आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास, यानी हमेशा देखा जाए तो हिस्ट्री में दो वर्ग हुए हैं, दो कैटेगरीज हुए हैं, जिनके मध्य संघर्ष की वजह से इतिहास है वो करवटें बदलता रहा है। आगे बात करें, ये वाला एज आपको समझा दिया। नेक्स्ट, अब आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि कॉल मार्क्स ने अब तक इतिहास की 6 एज बताई है। कितनी बताई, 6 एज, जिसमें से 4 एज है वो गुजर चुकी है। कॉल मार्क्स ने कहा कि जो 6 अवस्था है जिसमें 4 अवस्थाएं हैं तो मानव के इतिहास में आकर जा चुकी है, अग्रिम 2 जो है अवस्था है वो आनी बाकी है। तो इस तरह से मैं 6 विशेषता यहाँ पे, 6 एजेज हैं आपको कंटिन्यू बताने वाला हूँ। नेक्स्ट बात आती है सामंती अवस्था। सामंती अवस्था क्या होती है, सामंत यानी सामंत तो आप समझते हैं ना, जो राजा के अंतर्गत या राजा के अंडर में आने वाले प्रभावशाली व्यक्ति। जैसे पहले की बात करें तो अपने यहाँ पर क्या था कि राजा है वो शक्तिशाली होता था, कब, जब राजा के सामंत शक्तिशाली होते थे, राजा की सेनाएं भी सामंतों के मध्य बटी होती थी, और सामंतों के प्रभावशाली होने से राजा प्रभावशाली होता था। यानी सामंत और राजा एक तरह से कहें उच्च वर्ग कैटेगरी के प्रभावशाली श्रेणी में आने वाले लोग थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ,
सामंती अवस्था में क्या हुआ, इस अवस्था में इनके मध्य संबंध बदले और यही परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव हुआ और सामंती अवस्था है। क्या है? सामंती अवस्था, यानी यहां पर उत्पादन के साधनों में और उन्नति हुई, जहां से इनकम आए वहां से जो परिभाषाएं थी या जो व्यवस्थाएं थी वो बदली गई। क्योंकि इस अवस्था में क्या हुआ, प्राथमिक जो उद्योग यानी प्राथमिक व्यवसाय था उसके साथ साथ द्वितीयक व्यवसाय का विकास हुआ। ठीक है, प्राथमिक के साथ द्वितीय व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय की शुरुआत हुई। और इस तरह से अगर देखा जाए तो सामंती अवस्था में फिर जो सामंत थे इन्होंने संपत्ति को अपने अधिग्रहण में ले लिया, संपत्ति इनको अपने अधिग्रहण में आ गई, संपत्ति इनके पास आ गई। तो इस वजह से देखा जाए तो यहां पर यह होता है कि जो कंडीशन दास की थी, यानी जो कंडीशन दास अवस्था में मालिक और नौकर की थी, उसी में बदलाव हो गया, उसी में बदलाव हो गया और मालिक की जगह तो हो गए सामंत। कौन हो गए? सामंत हो गए। और नौकर की जगह शोषण को, यानी कहने का मतलब हम कहें कि कैटेगरी वही है जो शोषित हो रही है, शोषण करने वाला और शोषित होने वाला, ये दो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर स्थापित हो जाती है। यानी हम यहाँ पर कहें तो भूमि की खेती और दस्तकारी पर अब किसका कंट्रोल हो गया, यानी जमीन जायदाद या भूमि व्यवसाय है वो सामंतों के अधिकार में आ गई। और सामंत है वो अपना ये कार्य, कृषि वगैरह ये जो कार्य है वह उस किसान श्रमिक और मजदूरों से करवाने लगे। और इस तरह से जमीन जायदाद और भूमि पर किसका अधिकार हो गया, मालिक यानी सामंतों का। यहाँ पर इसमें हम कहें कि सामंत अस्तित्व में आए और सामंतों का बोलबाला था। ये एज कौन सी थी? सामंतों की एज वाली थी। तो इस तरह से देखा जाए तो किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामंतों का बोलबाला था और सामंतों की यही वजह से शोषकों और शोषितों का संघर्ष निरंतर चलता रहा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शोषक, देखो शोषक का मतलब होता है जैसे सामंत है, तो सामंत है वो मजदूरों को, किसानों को अपनी जमीन पर काम करवाने देता है और उसका ज्यादा फायदा वो खुद ले रहा है और किसानों का शोषण हो रहा है। तो जमींदार था, जो सामंत था वो हो गया शोषक, वो क्या हो गया? शोषक। और दूसरा है शोषित, शोषित यानी वो कर्मचारी या किसान या मजदूर जिनका सामंत शोषण करें। तो इस एज में शोषक और शोषितों के मध्य क्या शुरू हो गया? संघर्ष शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, ये एज गुजर चुकी है। कॉल मार्क्स ने कहा कि इसमें भी व्यवसाय पैसों की वजह से दो वर्ग अस्तित्व में आए और दोनों ने अपने अपने प्रभाव की वजह से एक संघर्ष को जन्म दिया, शोषित और शोषितों के मध्य, यानी सामंती अवस्था। क्या अवस्था? सामंती अवस्था। नेक्स्ट जो फोर्थ एज है जो गुजर चुकी है वो अवस्था है पूंजीवादी। पूंजीवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था जिसको हम बात करें तो ये एज भी कौन मार्क्स से गुजर चुकी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि धीरे 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 क्या होता है कि एक सामंत है वह पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं और खुद श्रमिकों के द्वारा उनके लिए काम करना, उनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की वजह से जो सामंत है वो एक पूंजीशाली, पूंजी की श्रेणी में आते हैं और पूंजीगत यानी पूंजीवादी या पूंजीपति कहलाते हैं। और फिर इनके जो बचे हुए यानी जो पहले से मजदूरी कर रहे थे वह अब उनके शोषण के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि पूंजीवादी अवस्था वो अवस्था है जहाँ पर पूंजीपति और पूंजी उद्योग धंधों का बोलबाला था। और इस तरह से हम कहें कि इस एज में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्या होती? औद्योगिक क्रांति। और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ कि पूंजी का जमाव ज्यादा हुआ, पूंजी का बोलबाला हुआ और पूंजी की व्यवस्था से समाज में दो वर्ग हो गए। ठीक है ना, एक तो वर्ग हो गया, यानी इस एज में सिंपल सा बताऊं कि पूंजी का बोलबाला ज्यादा था, या विचार पूंजीवादी व्यवस्था पूंजी का, क्योंकि जब कहते हैं कि पैसों से पैसे कमाए जा रहे, तो ये वो एज थी जहाँ पर पूंजीपति अपने पैसों के जरिए पैसे कमा रहे थे और इसके बदले मान लीजिए वो फायदा ले रहे थे और शोषण हो रहा था। तो यहाँ पर इस एज में कौन से वर्गों के मध्य शोषण शुरू हुआ? तो बुर्जुआ शोषक वर्ग,
यानी पूंजीपति थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए जो इनके अंडर में काम करने वाले जो व्यावसायिक मजदूर थे या जो इसके अंडर में काम करने वाले जो लोग थे उनका ये शोषण करने लगे, क्योंकि इन्होंने कारखाने में इनको लगाया तो पूंजी से पूंजी बनाने की व्यवस्था के द्वारा शुरुआत की। तो बुर्जुआ वर्ग हम कहें उनको कहेंगे जो पूंजीपति थे, कौन थे पूंजीपति, और इस एज में जिनका शोषण किया जा रहा था वो थे सर्वहारा शोषित वर्ग। तो इस एज में शोषक और शोषितों के मध्य संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि बुर्जुआ शोषक वर्ग यानी जो पूंजी के संसाधनों पर पूरी तरह से अधिकार कर लेती है यानी जहां से इनकम प्राप्त होती है उन सभी पर पूंजीपतियों का अधिकार और दावा हो जाता है, और इस तरह से वह अपने इस फायदे के इस पूंजीपति व्यवस्था को काबित करने के लिए कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं और एक पूंजी व्यवस्था साम्राज्य स्थापित होती है यानी पूंजीपतियों का बोलबाला। तो इस एज में फिर ये खुद ही जो सर्वहारा वर्ग है वो इनको इस स्थिति पर ला देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि अमीरों और गरीबों के मध्य लड़ाई शुरू हो जाती है शोषित और शोषितों के मध्य, क्योंकि इस समय पूंजीपति हैं वह अपनी उत्पादन साधन यानी जहां से राज्य में उत्पादन उन सभी पर उनका अधिकार हो जाता है। तो फिर यहां पर क्या संघर्ष शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि पूंजीपति व्यवस्था ने क्या कर दिया कि भयंकर शोषण को जन्म दिया, पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या कर दिया, भयंकर शोषण को जन्म दिया, और शोषण व्यवस्था से पूंजीपति और जो श्रमिक वर्ग है उनके मध्य शोषण की शुरुआत होती है। तो कॉल मार्क्स ने कहा कि ये एज गुजर चुकी है, इस एज में पूंजीपति राज करते हैं और वह सर्वहारा वर्ग जो श्रमिक वर्ग है उनका शोषण करते हैं और अपना एक पूंजीवादी यानी पूंजी का साम्राज्य स्थापित कर लेते। लेकिन इसके बाद ये एज कॉल मार्क्स ने कहा गुजर चुकी है, अब आने वाली जो पांचवी एज है उसके अंतर्गत क्या होगा कि इस पूंजीपतियों ने खुद ही अपने कहते ना कि अपने ताबूत के कील ठोकने का काम किया है, या हम कहें कि खुद पूंजीपति इस वर्ग सर्व पूंजीपति वर्ग ने ही इस एज में क्या कर दिया, धीरे धीरे अपने इस महत्वाकांक्षा के कारण अपने ही बंबू उखाड़ने का काम किया, क्योंकि इन्हीं का धीरे धीरे पतन होने वाला था और श्रमिक वर्ग का राज आने वाला था। वो पांचवी एज थी, कौन सी एज थी, पांचवी एज। तो वही मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट बता रहा हूँ पांचवी एज के बारे में। तो चार एज तो आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान रखिएगा चार एज है मार्क्स ने कहा कि गुजर चुकी है, मैं पांचवी एज के बारे में बता रहा हूँ। और पांचवी एज जहाँ से हम ये कहे थे कॉल मार्क्स ने अपने विचारों में कहा कि भाई चार गुजर चुकी है, पांचवी अवस्था है जहाँ पर पूंजीपतियों का पतन हो जाएगा और श्रमिकों का राज होगा यानी श्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था। वेलकम सुंदर, जैसे कि अब यहाँ पे बताया तो कॉल मार्क्स ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब मजदूरों श्रमिकों का राज होगा और पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा, क्योंकि पूंजीपतियों ने खुद ही अपने लिए पतन के द्वार खोल दिए थे। जिस तरह से उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में अपना नाम कमाया और अपने अंधाधुनी पैसों के द्वारा जो मजदूरों का और जो श्रमिक वर्ग का शोषण किया, तो आने वाले समय में मजदूर वर्ग ने आपस में संगठन किया और संगठित होकर पूंजीपतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया। और इस तरह से अब ऐसी अवस्था थी जहाँ पे कोई पूंजीपति नहीं थे, सभी एक जैसे से श्रमिक वर्ग की श्रेणी में थे। तो ये जो वर्ग है, ये जो अवस्था है जहाँ पे सभी श्रमिक वर्ग की कैटेगरी में सभी एक जैसे हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग का आधिपत्य हो जाता है। तो ये एज हम कहते हैं अधिनायक किसका रहता है, श्रमिकों का। तो इस तरह से कहा जाता है श्रमिक वर्ग का अधिनायक की अवस्था। और जैसा कि मैंने बताया कि इस अवस्था में पूंजी ऐतिहासिक अगर व्यवस्था को देखा जाए तो पांचवा ये एज यानी पांचवी चरण है कॉल मार्क्स अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करते हैं, इस एज की विशेषता मतलब विशेषता बता रहा हूं, श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करते हैं। दूसरा, पूंजीवादी या पूंजीपति समाप्त होते हैं,
पूंजीपतियों का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त होता है। सुंदर, राम राम। तो यहाँ पर यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस एज में क्या होता है। तो इस एज में जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ ये वो अवस्था है जिसको हम कहते हैं कि न तो ये सामंती अवस्था है न पूंजीवादी अवस्था है, न तो सामंतों का राज्य है न पूंजीवादियों का है। ये वो अवस्था है जहाँ श्रमिकों का राज्य है। किसका राज्य है? श्रमिकों का राज्य। तो इस अवस्था में बहुमत पूंजी वर्ग या श्रमिक वर्ग के हाथों में आ जाता है और अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे परिपूर्णतः समाप्त कर देते हैं। तो यानी हम कहें पूंजी श्रमिक वर्ग का राज्य। ठीक है, ये वाली ये समझ आई। तो कॉल मार्क्स ने कहा कि ऐसा समय आएगा जो आज के समय पूंजीपति जो वर्ग है वो समाप्त हो जाएंगे और श्रमिकों का राज होगा। इतिहास में एक ऐसा दौर आने वाला है, कॉल मार्क्स कह रहा है, चार एज तो गुजर चुकी है, ये पांचवी एज आने वाली है, क्योंकि इस द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था आपने खुद के लिए समस्या खड़ी करी और श्रमिक वर्ग का राज होगा और ये अवस्था जल्दी आने वाली है, कॉल मार्क्स कहते हैं। इसके बाद कॉल मार्क्स ने कहा कि श्रमिक वर्ग का राज होगा, उसके बाद भी एक और अवस्था आएगी, उसके बाद एक और अवस्था आएगी जिसको कहेंगे कि साम्यवादी अवस्था। कौन सी अवस्था? साम्यवादी अवस्था। साम्यवादी अवस्था का मतलब एक ऐसी एज इतिहास की, ऐसी एज जिसको आर्थिक आधार पर देखा जाए तो वहां पर साम्यवादी अवस्था आएगी जहां पर उत्पादन के साधनों पर सभी वर्ग का बराबर हक होगा। जो जितना काबिल होगा, योग्य होगा, वो उतना अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर न तो पूंजीपति वर्ग होंगे न श्रमिक वर्ग होगा, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा वर्ग स्तर देखा जाएगा जहाँ पर सभी एक जैसे श्रेणी में आएंगे। यानी यहाँ पर अगर हम कहें तो यह सामंती अवस्था राज्यवहीन और वर्गवहीन अवस्था होगी। साम्यवादी अवस्था ये ऐसी अवस्था होगी जहाँ पर राज्य भी नहीं होगा, राज्यविहीन व वर्गविहीन। क्योंकि कॉल मार्क्स कहता है कि हमेशा इतिहास में कहीं ना कहीं देखा जाए दो वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, जैसे अमीर और गरीब, मालिक और नौकर, सामंत और दास। तो इस तरह से इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो हमेशा शोषण होता है। तो अब साम्यवादी अवस्था में क्या होगा? न तो राज्य होगा, क्योंकि राज्य के अंदर ही मालिकों को मालिकाना हक मिलता है और शोषण का वो यानी शोषण करते हैं। तो इसलिए राज्य एक शोषण का यंत्र है। तो इस एज में न तो राज्य होगा, कोई राज्य व्यवस्था भी नहीं होगी और न ही कोई वर्ग होगा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। यानी ये वो एज होगी जहां पर जैसे पानी पड़ा है वैसे पड़ा रहेगा, जो जिसको जिसका टैलेंट है उस अकॉर्डिंग वो सुविधा और सेवा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से राज्यविहीन और वर्गविहीन व्यवस्था को यहां पर कहा गया है और इसके अंतर्गत कहा है कि शोषक और शोषित दो वर्ग नहीं रहेंगे बल्कि एक ही वर्ग होगा, वो समान रूप में होगा। ठीक है, यहां पर कहा गया शोषक एवं शोषित वर्ग नहीं होंगे, सिर्फ श्रमिक वर्ग का अस्तित्व होगा। यानी सभी एक ही कैटेगरी के होंगे, क्या होंगे? एक ही कैटेगरी के होंगे और अपने स्तर पर वो इस तरह से अपनी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि इसके इस एज में फिर काम कैसे चल रहा होगा। कोई कहेगा सर ये एक ऐसी अवस्था आ गई जहाँ पे सभी एक जैसे है, तो फिर ये समाज कैसे आगे बढ़ रहा होगा? तो कॉल मार्क्स ने कहा कि यहाँ पर सभी एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे, उत्पादन के साधनों पर सभी का एक जैसा इससे तो अधिकार हासिल होगा, लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था ये होगी कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा। यहाँ पर इसकी विशेषता बताएं, जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा। यानी कोई किसी का शोषण नहीं करेगा इस चीज में, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। और इस तरह से यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। अनुसार प्राप्त कर सकेगा, ये हो सकता है। तो ये इतिहास ने, मतलब कॉल मार्क्स ने
कहा कि जिस तरह से इतिहास गुजरा है उस इतिहास में इस तरह की एजेज आई हैं और पांचवीं एज ये वो आने वाली है और इसके बाद साम्यवादी अवस्था भी आएगी जहाँ पे पूंजीपति अस्तित्व या पूंजियों का अस्तित्व नामो निशान नहीं रहेगा। तो यहाँ तक तो मैंने कार्ल मार्क्स की आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या के विचारों को यह बताएं। अब बात करें, प्रश्न जब बड़ा आएगा तो ये भी आ सकता है कि कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक आधारों पर व्याख्या की आलोचना कीजिए या कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक आधार पर की गई व्याख्या के आप आलोचनात्मक बिंदु के साथ वर्णन कीजिए या फिर आलोचना के साथ सिद्ध कीजिए कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधारों पर जो इतिहास की व्याख्या का जो विवरण किया है वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, यानी इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेश कीजिए। यानी किसी भी तरह से कहें तो इससे संबंधित आलोचना आ सकती है कि क्या हकीकत में कार्ल मार्क्स ने कहा वैसा ही हुआ है इतिहास में, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कारण दीजिए, मतलब आलोचना। तो बिल्कुल, अब मैं आपको आलोचना के पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये समझ लीजिएगा आलोचना के पॉइंट है, वो एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। किसकी आलोचना कर रहे हैं? आर्थिक, यानी कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। तो इस आर्थिक व्याख्या की हम यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं। उसने कहा कि इतिहास में जो भी घटना है वो कहीं ना कहीं आर्थिक तत्वों की वजह से हुई है। अब आपको पता होगा शुरुआती युग में मान लीजिए कोई वर्ग नहीं था, कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं, लेकिन इसके बाद में आई दास व्यवस्था जिसमें सामंत और दास थे और एक दो वर्ग और पैसों की वजह से शोषण का यंत्र हुआ। इसके नेक्स्ट हम बात करें कि जो दूसरी जैसे एज आती है, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि सामंती दास व्यवस्था होगी, फिर सामंती अवस्था में सामंत और मालिक नौकर की अवस्था थी, पूंजीवादी अवस्था में पूंजीपति और श्रमिक थे, और इसके बाद में फिर बारी अधिनायक की अवस्था श्रमिकों के, तो उसमें पूंजीपति है वो फिर पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य लड़ाई की वजह से पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं और शुरू होती है एक श्रमिक वर्ग की अवस्था। फिर बारी आती है कि लास्ट एज जहाँ पर वर्ग नहीं रहता है, सिर्फ एक ही वर्ग होता है श्रमिक वर्ग। तो हर तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आर्थिक तत्व की वजह से इतिहास बदल रहा है। हमेशा दो वर्ग थे, दो वर्गों की में इतिहास में हलचल वजह से इतिहास में घटनाएं बदली और इतिहास इस तरह से आगे बढ़ा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष है और इसमें आर्थिक तत्वों की वजह से ये हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तो हम बात करें आलोचना जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा तो पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है, जैसा कि यहाँ पे बताया कि आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया गया है, आर्थिक तत्व पर अधिक एवं अनावश्यक बल दिया गया है। बिल्कुल, यानी अपने कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में अपने ये जो अलग अलग जो विचार दिए हैं कि भाई आज तक का इतिहास है उस इतिहास में हर घटना है आर्थिक तत्व के इर्द गिर्द घूमती है, तो आर्थिक तत्व को यहाँ पे हाईलाइट किया है। लेकिन देखा जाए आज तक के इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें सिर्फ आर्थिक तत्व मौजूद नहीं था कि भाई आर्थिक तत्व ही है जिस वजह से हुआ, नहीं। अब जैसे बात करें रामायण है, महाभारत, चलो महाभारत छोड़ रामायण की बात कर ले, ठीक है। तो रामायण जो आज एक अपने एक पौराणिक कथा है, एक इतिहास बन चुका है, तो क्या उसके पीछे पैसों का कारण था? ये रामायण की जो पूरी घटनाएं हुई पैसों का तत्व था? नहीं। तो अगर मैं एक तर्क बता रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स कह रहा है कि हर घटना के पीछे आर्थिक तत्व आर्थिक कारण मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक ही मैंने उदाहरण दिया कि भाई क्या रामायण की जो घटनाएं हुई उसके पीछे आर्थिक तत्व था? नहीं था। तो अब मेरा ये कहने का मतलब है, मैं जब आलोचना कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चन का इस बुराई इस पॉइंट की बुराई होगी, तो यहाँ पर ये कहा कि आर्थिक तत्व को ज़्यादा हाईलाइट किया मार्क्स ने, जो शायद जरूरत नहीं थी उसको यहाँ पर ज़्यादा ही हाईलाइट किया गया है, क्योंकि इतिहास में हर तरह के तत्व मौजूद है, कोई आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तत्व भी होते हैं, हर कोई ना कोई तत्व आपस में मिलकर इतिहास को बदलते हैं, सिर्फ एक ही तत्व मौजूद नहीं होता है। आलोचना का दूसरा पॉइंट जिस पर आप गौर फरमाएगा कि आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाएं संभव नहीं। सभी ऐतिहासिक यानी अतीत से जुड़ी घटनाएं आर्थिक घटनाएं संभव नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। जैसे कि अगर मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको सीध करके बताऊं तो यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध क्या पैसों की वजह से हुआ था? यानी प्रथम विश्व युद्ध में क्या आर्थिक कारण था? नहीं।
महत्वाकांक्षा थी। क्या थी? महत्वाकांक्षा यानी वर्चस्व का। इसके अलावा जैसे बात करें कि गौतम बुद्ध के द्वारा, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा संन्यास लिया गया और उसके द्वारा एक नए धर्म की स्थापना होती है, तो क्या उसमें भी आर्थिक तत्व मौजूद था? नहीं था। इसके अलावा कहें कि भाई सिंपल एक एग्जांपल, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, किसका विभाजन हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके पीछे क्या आर्थिक तत्व कारण था? यानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के पीछे क्या कारण था? आप सिंपल सा कहेंगे कि धार्मिक तत्व मौजूद था, यानी धार्मिक आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर हुआ। तो यहाँ पे सीधा सा एक बात सिंपल आती है कि कॉल मार्क्स कहता है कि आज तक के इतिहास में जो भी हुआ है ना उसके पीछे आर्थिक तत्व मौजूद है। क्या तत्व मौजूद है? आर्थिक। लेकिन अगर हम देखें जैसे रामायण देख लीजिए, गौतम बुद्ध के संन्यास की घटना देख लीजिए, या इसके अलावा बात के भारत पाकिस्तान के विभाजन देख लीजिए, तो इसमें कहीं आर्थिक तत्व मौजूद नहीं होता है। ये कुछ राजनीतिक और कुछ धार्मिक तत्व भी होते हैं जिस आधार पर इतिहास में घटनाएं होती है, लेकिन कॉल मार्क्स ने सिर्फ यही कहा है कि सब कुछ आर्थिक तत्वों की वजह के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो बिल्कुल सरासर सही नहीं होता है। आगे बात करते हैं, यानी ये आप इसमें लिखेंगे जो मैं आपको बताया वो आपको इसमें लिखना है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ और पॉइंट आप हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट कहें, इतिहास के निर्धारण में संयुक्त तत्वों की अपेक्षा। संयोग, बिल्कुल। इतिहास में कोई घटनाएं ऐसी भी होती है जो किसी न किसी वजह पे होती है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली भागने से एक सिक्का टूटने का ऐसी कहावत भी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होता है कि भाई किसी के होने से भी कोई कारण कोई घटनाएं होती है। लेकिन यहाँ पर ये जिक्र नहीं किया गया है, मतलब इतिहास निर्धारण में संयोग तत्व भी होता है। संयोग, सहयोग नहीं, संयोग। कोइंसिडेंट कहते हैं ना, संयोग। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताऊं कि जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जैसे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने विवाह किया होता और उसके संतान हुई होती, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की एकीकरण नहीं हो सकता था, लेकिन उनकी संतान न हुई और ये इतिहास में कुछ अलग ही मोड़ आया। क्या आया? अलग ही मोड़ आया। और इसके अलावा बात करें, जैसे हम बात करें अपने पृथ्वीराज चौहान का, तो उन्होंने अगर संयोग मतलब अगर कहें कि अगर उन्होंने किस्मत से ही या फिर संयोग से ही अगर पहली पारी में ही प्रथम युद्ध में ही पानीपत का अपने प्रथम युद्ध कहें तो पानीपत का प्रथम नहीं तराइन का युद्ध था इनका, तो तराइन के प्रथम युद्ध में ही अगर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को जाते हुए अगर पीछे से मतलब वहीं पर समाप्त कर दिया होता तो शायद इतिहास में आने वाली घटनाएं पृथ्वीराज चौहान के लिए ये स्थिति मतलब परिवर्तन न करती। यानी इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो संयोग से होती है कि भाई एक के होने से दूसरा होता है, लेकिन कॉल मार्क्स ने ऐसा जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। इसके अलावा मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं। मानव इतिहास का कालक्रम संभव नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर कॉल मार्क्स ने कहा है कि आज तक का इतिहास है वो 6 अलग अलग एजेज में बटा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो मानव इतिहास को हम किसी एक श्रेणी कालखंड में नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि मार्क्स ने अपनी आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या के जो कालक्रम प्रस्तुत किया है अगर उसमें देखा जाए तो काल विभाजन ने दास युग, सामंत युग, पूंजी वर्ग और सरोरा युग का कहा है और फिर साम्यवादी युग आ गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सरोरा वर्ग का अलिनायक तंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के बाद आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1917 से पूर्व जैसे बात करें रूस का, तो रूस में पूंजीवादी राज्य नहीं वरन पूर्णतः एक कृषि प्रधान राज्य था। यानी कहने का मतलब है कि इसने कहा कि भाई सामंती व्यवस्था आई, सामंती व्यवस्था के बाद बात करें पूंजीवादी व्यवस्था आई, लेकिन अगर रूस की बात करें तो रूस में सामंती एज की समाप्त होने से बाद पूंजीवादी व्यवस्था ने कृषक अवस्था आई थी। तो जरूरी नहीं कि कॉल मार्क्स ने कहा कि जो घटना है उसी आधार पर नेक्स्ट एज आएगी, नहीं। इतिहास को हम फिक्स नहीं कह सकते कि इसके बाद ये शरण आएगा। इतिहास कभी भी किस और करवट मोड़ता है इसका कोई पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो फिक्स किया है वो पूर्णतः सही नहीं है। एक फिर नेक्स्ट बात करें कि आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। 5वां पॉइंट, आर्थिक संबंधों को राजनीतिक तत्व द्वारा बदला जा सकता है। राजनीतिक संबंधों द्वारा। यहाँ पर कॉल मार्क्स कहता है कि इतिहास में जो भी हो रहा है वो आर्थिक
क्रियाकलाप के आधार पर हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ राजनीतिक संबंध भी होते हैं जो घटनाओं को बदल देते हैं, घटनाओं को बदल देते हैं। जैसे अगर हम बात कर ली जाए तो 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में ये तो भाव्यम नीति आई और उसने व्यक्तिवादी नीति का प्रसार किया था। तो 1917 में क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी दर्शन के प्रभाव से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और इंग्लैंड और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल की सत्ता आई थी। तो यहाँ पर आर्थिक तत्व मौजूद नहीं था, यहाँ पर आर्थिक तत्व को ही हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, यानी इतिहास के अंतर्गत कुछ राजनीतिक घटना संबंध भी होते हैं। अब बात कर लें कि जैसे अब मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा कृष्णा कुमारी विवाद जो जोधपुर और जयपुर के मध्य कृष्णा राजकुमारी कृष्णा मतलब आपने एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी तो उसकी वजह से जयपुर और जोधपुर दो रियासतों में लड़ाई हो गई थी। तो अब यहाँ पर इस तरह से उनकी आने वाली पीढ़ी में ये एक इतिहास में एक काफ़ी बदलाव एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ घटना देखी जाती है। तो इसके पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं था, ये एक राजनीतिक संबंध था जो उसके दोनों के मध्य इतिहास को बदल लेता है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट काफ़ी हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि कॉल मार्क कह रहा है कि आर्थिक तत्व यानी आर्थिक आधारों पर इतिहास की घटनाएं होती है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। कुछ सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तत्व भी होते हैं, कई सहयोग भी होते हैं और कोई ऐसी समय भी होता है कि समय के अकॉर्डिंग इतिहास बदलने को मजबूर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको कॉल मार्क्स का जो आपके अकॉर्डिंग 7 या 15 नंबर का आने वाला प्रश्न था वो मैंने आपको समझा दिया। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कॉल मार्क का वर्ग संघर्ष सिद्धांत। और ये समझ लीजिएगा वर्ग संघर्ष सिद्धांत काफी इजी है, सिंपल सा भी है। या ये भी आ सकता है आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वर्ग संघर्ष के बारे में बताना कि कॉल मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ग संघर्ष क्या है, और इसके बाद आप उसको समझाने के बाद आप फिर बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि किन आधारों पर हम इसको वर्ग संघर्ष नहीं कह सकते, यानी आलोचना के बिंदु लिखने होंगे। तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके अगर आता है तो आपके 7 नंबर यानी बी सेक्शन में आएगा। किस में आएगा? बी। और सिंपल सा ऐसा भी आता है 2 नंबर में भी आएगा कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने दिया या वर्ग संघर्ष का विचार किसने दिया या फिर वर्ग संघर्ष क्या है। तो ऐसे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन के साथ शुरू करूंगा। कॉल मार्क्स ने कहा कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, या शॉर्ट में हम यही कहेंगे, आप लिख दीजिएगा अब तक, यानी आज तक जो भी हुआ है उसको कहते हैं अब तक। तो अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष, या सिंपल कहूं कि कॉल मार्क्स कहता है कि अब यानी आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी जो भी इतिहास बना है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो दो वर्ग हुए हैं। कौन हुए हैं? दो वर्ग, जैसे पूंजीपति, ठीक है ना, तो निर्धन, मालिक, नौकर, सामंत, दास, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शोषक, शोषित। तो इस तरह से कॉल मार्क्स कह रहा है कि आज तक इतिहास को अगर देखा जाए तो हर एज में हर जगह कहीं ना कहीं आपको दो वर्ग मिलेंगे और इन्हीं दो वर्गों के मध्य आपस में संघर्ष होना, और यही शॉर्ट में कहें वर्ग संघर्ष कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, शॉर्ट सिंपल में बताएं कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। ठीक है, इस लाइन को आपको लिखना जरूरी है, और ये लाइन आपको बताती है कि कॉल मार्क्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट देता है, क्योंकि ये इसके पीछे काफ़ी रीजन है। उन्होंने कहा कि हर जगह अगर देखा जाए, हर एज में देखा जाए तो दो वर्ग होते हैं और इन दो वर्गों में संघर्ष होता है और इन संघर्ष से इतिहास की घटनाएं भी होती है। लेकिन सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि वर्ग संघर्ष क्या है, दो वर्गों के मध्य संघर्ष,
जैसे अभी मैंने बताया, गुरु जी आज और कल एक हिंदी अनिवार्य की क्लास लगाओ लगाओ या साथ दो। हाँ मुझे आज दिमाग में तो आया था आपने हंटर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वैसे अपना देखो जब फोकस कहे ना तो अपना फोकस यही होता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल, लेकिन आपके जैसे फर्स्ट ईयर जैसे अभी फर्स्ट ईयर वाले कोई स्टूडेंट हैं तो उनके हिंदी अनिवार्य का एग्ज़ाम है, या कोई ऐसे अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी का ड्यू रह गया, तो हमने ये सोचा क्योंकि क्यों ना भले ही हमारा ये फील्ड ना हो लेकिन आपके लिए हिंदी अनिवार्य की क्लास लेके आए, जहाँ पर आपको आपके पास होने के लिए आपके अच्छे उसमें क्योंकि ये तो नंबर तो जुड़ते नहीं, ऐसे क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ ऐसे प्रश्न ऐसी ट्रिक्स बता दें जहाँ से आप उस वीडियो को देख के पास हो पाए। तो बस मैं यह सोच रहा था, और अगर आपने कहा है तो बिल्कुल आपको कल ऐसा एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर हिंदी अनिवार्य में कैसे आपको अच्छे से नंबर लाना है या जो क्वालिफाई करना है वो एक वीडियो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, और ये आपका सुझाव है बिल्कुल हम इस पर गौर करेंगे और कल आपके लिए ऐसा एक वीडियो आएगा ज़रूर। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अदरवाइज तो अपनी ये जो इस यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल ज़्यादा फोकस्ड सब्जेक्ट है और कॉलेज की बाकी अपडेट के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हिंदी अनिवार्य के लिए हमें सपोर्ट मिले तो बिल्कुल आपको ये इसके लिए क्लास मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित है। नोट करिएगा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहा हूँ वो साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कॉल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या तो ये प्रश्न आएगा, या कॉल मार्क्स के वर्ग संघर्ष विचारों का आलोचनात्मक विवरण कीजिए, ये विचार यानी सिद्धांत है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कॉल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत कॉल मार्क्स का ये जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत, थैंक्स गुरु जी दिल्ली हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए क्लास लाएंगे, और आपका एक ये आपका आपके लिए एक टास्क होगा कि आपके लिए अगर क्लास लगा रहे हैं तो आप अपने और मित्रों को इनवाइट कीजिएगा कि कल यहाँ से आपको हिंदी अनिवार्य की एक स्पेशल क्लास दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने मित्रों को यहाँ पर लेके आए। ठीक है, तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित है, समाज में आधारित, ये नोट कर लीजिएगा, यानी समाज जहां से उत्पादन हो रहा है, जहां से पूंजीवादी व्यवस्था बनती है और जहां से श्रमिक वर्ग का अस्तित्व आता है, तो वो कब होता है, वो होता है उत्पादन के पर डिपेंड करता है। तो यहां पर यही कहा कॉल मार्क्स ने कहा कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वह समाज में क्यों लोगों के मध्य आया, क्योंकि उत्पादन और वितरण का जो दायरा है यानी समाज में कौन लोग हैं जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखेंगे और कौन है जो इन समाज के संसाधनों को, तो उस आधार पर वर्ग बनते हैं और वर्गों के मध्य आपसी भेदभाव के वजह संघर्ष हो सकता है। बिल्कुल मानव सिंह वेलकम, गुड इवनिंग डियर। तो यहाँ से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कॉल मार्क्स कह रहा है कि वर्ग संघर्ष समाज में इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्पादन और वितरण का जो सिद्धांत है वह सही से काम नहीं कर पा रहा है, या इसके अलावा कहें कि समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर, यानी यहाँ पर नेक्स्ट बताएं, समाज का एक वर्ग उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण कर लेता है। कहने का मतलब है कि अगर समाज में अगर देखा जाए तो समाज में जो इनकम आ रही है उस इनकम आने के जो सोर्स है उस सोर्स पर अगर समाज का एक ही वर्ग अधिकार कर ले तो दूसरे वर्ग के पास कुछ नहीं रहेगा, और एक वर्ग उन्हीं अधिकार किए संसाधनों से फिर वह पावरफुल हो जाएगा और इस तरह से वो अपनी मर्जी से उस समाज को चलाएगा, तो समाज में फिर एक के पास ज़्यादा और एक के पास कम होगा, तो फिर ये संघर्ष होगा। तो संघर्ष वर्ग संघर्ष क्यों हो रहा है, क्योंकि समाज में उत्पादन और वितरण है वो अव्यवस्थित हो रहा है जिससे वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि समाज का एक वर्ग उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण कर लेता है। आप कहेंगे सर उत्पादन के साधन जैसे भूमि पूंजी, भूमि पर भी
और पूंजी पर भी किसी एक वर्ग का अधिकार हो जाता है तो फिर वह वर्ग शक्तिशाली होगा और इस वजह से दूसरा वर्ग है वह कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ग शक्तिशाली होगा तो दूसरा वर्ग है वो उसके ऊपर आश्रित होगा। यानी अगर कोई गरीब है तो वह अमीरों के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वह वहाँ से इनको काम धंधा पैसा मिलता है। लेकिन अमीरी वर्ग क्या करते हैं, जो संपन्न वर्ग है वो उन आश्रित वर्ग का शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो इस तरह से फिर शोषण कहते ना कि शोषण की भी एक लिमिट होती है। आपकी कोई बेइज्जती करे या आपका कोई हर बार शोषण करे तो एक समय ऐसा भी आता है जब आप उसका जवाब देते हैं। यानी अंग्रेजों ने भारत पर राज किया लेकिन उन्होंने भारत को पूरी तरह से एकदम शोषण का शिकार बना दिया था, लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब अंग्रेजों को इसका हिसाब देना पड़ा। यानी कहते ना कि हर किसी का एक टाइम आता है, तो वो टाइम कहने का यहाँ पे मेरा तात्पर्य है कि शोषण की भी एक लिमिट होती है। आप अगर किसी का जरूरत से ज़्यादा फायदा लोगे, शोषण करोगे, तो वह कभी पलट के आपको जवाब देगा। तो यहाँ पर यही होता है कि पलट के जवाब देना मतलब संघर्ष शुरू हो जाना, दो वर्गों के मध्य क्या शुरू हो जाना, संघर्ष शुरू हो जाना। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा वर्ग है वो आश्रित वर्ग कहलाता है। जिसका शोषण होता है। तो इस तरह से कॉल मार्क्स के इस वर्ग सिद्धांत को एक सिंपल ही हम कह देते हैं कि समाज में जो उत्पादन के साधन थे उस पर अधिकार और उस पर नियंत्रण है वह गलत हाथों में होने से समाज में दो वर्गों के मध्य दूरी आ जाती है। एक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है तो वह धीरे धीरे शक्तिशाली होकर दूसरे वर्गों का शोषण करता है, और इस तरह से पूंजी का जमाव एक जगह होता है, दूसरी जगह शोषण की शुरुआत होती है, तो भी धीरे धीरे उनमें अलगाव, और एक समय ऐसा भी आता है जब दो वर्गों में आपस में मुठभेड़ हो जाती है, संघर्ष होता है। यही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। यानी सिंपल सा दिया हुआ, बिल्कुल आपको टेंशन मतलब कहते कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम की करता है लेकिन फिर भी उसकी जरूरत पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके पास यथासंभव सोर्स नहीं होते, पूरा संसाधन है वो उन दूसरे वर्ग के पास होता है, तो ये तो सिर्फ शोषण शोषित होते मतलब शोषण इनका किया जाता है। तो इस तरह से जब हर बार ये अपनी पूरी मेहनत करते हैं और ये आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाते हैं तो फिर इनमें असंतोष उत्पन्न होता है, और असंतोष होने से ये संघर्ष करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कॉल मार्क्स कह रहा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के मध्य ये संघर्ष देखा गया है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के मध्य ये शोषण देखा गया है, और इन्हीं वजह से यही वजह है कि जो शक्ति जो पूंजीशाली जो व्यक्ति होते हैं वह उत्पादन के साधन अपने नियंत्रण में रखते हैं, पूंजी ज़्यादा तो उनके नियंत्रण में आ जाती है, तो फिर मजदूर वर्ग को उसके अंडर में रखे काम करना पड़ता है। यानी ज़्यादा हम एक कहना कि भाई एक काम के लिए 100 रुपये मजदूरी देनी होती है, लेकिन जो पूंजीपति है वह शोषण के लिए शोषण करने के तरीके के द्वारा क्या करते हैं, 100 की जगह उसे 50 रुपये में 50 रुपये मेहनत का उसके पैसा देकर उसे 100 रुपये का काम करवाते हैं। तो इस तरह से उन आश्रित वर्ग का शोषण होता है, और यही शोषण की वजह है कि यहाँ पर दोनों के मध्य संघर्ष होता है। यानी कहते ना गलत चीज कब तक सहन करोगे, कभी ना कभी तो जवाब देना होता है, और यही जवाब दो वर्गों के मध्य संघर्ष को उत्पन्न करता है। किस पर उत्पन्न करता है? संघर्ष को। तो मार्क्स और एंजल ने भी साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर सामान्य जन, भूस्वामी और भूदास, श्रेणीपति और दास्तकार, ये हर समय देखा गया है दो वर्ग देखे गए हैं। एक तो उत्पीड़क होता है, एक उत्पीड़ित होता है। दो वर्ग जैसे अभी बात करें, एक तो हो गया उत्पीड़क यानी उत्पीड़न करने वाला, एक होता है उत्पीड़ित होता है यानी उत्पीड़ित। तो यही हो गया, जैसे पूंजीपति है तो ये उत्पीड़क हो गया और श्रमिक वर्ग ये उत्पीड़ित हो गया, इनके द्वारा इनका उत्पीड़न किया जाता है। तो इस तरह से ये घटना है वो संघर्ष को जन्म देती है, और कहीं ना कहीं ये इनके मध्य की जो संघर्ष है वो आमने सामने प्रकट होती है। तो इस संघर्ष की परिणति हर बार ये कि समाज की क्रांतिकारी पूर्णिमा हुआ, और वर्ग संघर्ष से क्या होता है कि समाज में विकास रुक जाता है। समाज में जब दो वर्ग आपस में लगड़ते झगड़ते हैं तो समाज में विकास का कार्य रुक जाता है। सर भी सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस क्लासेज भी सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लासेज लब से होगी, कब से होगी? हर्षिता जी आप क्या कह रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर की
क्लासेस तो चल ही रही है। अगर आप कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर कब से शुरू होगा ये पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर है वो कल से शुरू होगा आपका, और कल से आपके पेपर के बदले 5 दिन है, और 5 दिन में आपको पूरे पेपर को मैं रिविजन करवा दूंगा आपका पूरा पेपर फर्स्ट को, ठीक है। अगर आप वो पूछ रहे हैं तो कल से अपने शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वर्ग संघर्ष की इस अपनी इस धारणा के कारण मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के अंत को भी अभिव्यक्त करता है। मार्क्स कहता है कि इस पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग का उत्पीड़ित वर्ग का जब शोषण किया जाता है, तो इस वजह से इतिहास में, यानी कहता है ना कि खुद पूंजीपतियों ने ही अपने लिए गड्ढा खोद दिया। जिस तरह से इन्होंने अपनी पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक वर्ग के ऊपर अधिकार किया है, उसका शोषण किया है, तो उन्होंने खुद ही अपना पतन का रास्ता खोल दिया पूंजीपति ने, क्योंकि श्रमिक वर्ग संगठित होंगे और आक्रमण करेंगे। यानी कहते ना कि कॉल मार्क्स ने कहा कि मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा जग पड़ा है। तो इसलिए कॉल मार्क्स ही एक प्रथम व्यक्ति ऐसा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि विश्व के श्रमिकों, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन आप पाने के लिए पूरे जहां पा सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर वर्ग संघर्ष के द्वारा जो श्रमिक वर्ग है वो आपस में संगठित होकर पूंजीपति वर्ग के मध्य अपना मोर्चा खोल देते हैं, और ये संघर्ष उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि पूंजी का पूरा जमाव एक वर्ग के पास हो पाता है। तो इस तरह से कहें कि श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उसके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेते हैं, और उसके उपरांत सर्व वर्ग का अधिनायक तंत्र आ जाता है और पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाता है। तो यहां पर यही कहेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है और उन्हें संगठित समूह में एकत्रित करती है, और जिस तरह से भी श्रमिक एकत्र हो जाते हैं तो वीर वो संघर्ष करते हैं। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि पूंजीपति अपने काम के लिए श्रमिकों के वर्ग को खड़ा करते हैं, और श्रमिक वर्ग ही फिर अपने शोषण के लिए पूंजीपति वर्ग से बदला लेते हैं। पूंजीपति श्रमिक वर्ग की संख्या को बढ़ाता है तथा यही संगठन पूंजीपति व्यवस्था का अंत करता है तथा श्रमिक वर्ग की अधिनायकता स्थापित होती है, ठीक है। तो ये वर्ग संघर्ष सिद्धांत था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये कॉल मार्क्स ने अभी बताया है, क्या यकीकत मतलब हकीकत में यही बात यहाँ पर वर्ग संघर्ष के मध्य होती है? यानी हर जगह, जैसे शुरुआत में कहा था ना, जैसे कॉल मार्क्स ने कि आज तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हमेशा अलग अलग एज में अलग अलग वर्ग हुए, इनके मध्य संघर्ष हुआ है, और इसी वजह से इतिहास की काफ़ी घटनाओं में भी बदलाव हुआ है। तो अब यहाँ पर हम इसकी आलोचना करें, कॉल मार्क्स ने कहा कि हकीकत में 100% यही सिक्योरिटी थी या कुछ बदलाव भी हुआ था, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं। और ये वाला भी अगर एग्जाम में आता है तो ये आपके 7 नंबर का आएगा, ठीक है ना। निम्नात्मक प्रश्न तो ये नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आलोचना के पॉइंट आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट के आप ध्यान दीजिएगा, और ये पॉइंट के साथ ही आपका ये जो क्वेश्चंस का आंसर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग। देखिए, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉल मार्क्स कहता है कि भाई हमेशा दो वर्गों के मध्य संघर्ष हुआ है, लेकिन और इस वजह से इतिहास बदला है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर अगर दो वर्गों में संघर्ष हो जाता तो वो अवस्था समाप्त हो जाती। यानी दो बूटों के मध्य जब झगड़े होते हैं
तो उसका पतन होता है, पतन होता है तो नया एज, नया इतिहास नहीं बनता है। लेकिन अब यहाँ पर ये एक और भी देखा जाए कि समाज में आज तक देखें तो समाज में संघर्ष तो होता है, लेकिन संघर्ष से ज़्यादा सहयोग भी तो होता है। हर बार ऐसा नहीं है कि संघर्ष ही होता है, दो वर्ग हुए हैं और दो वर्ग आपस में झगड़ते हैं, नहीं। आप ये एक दूसरा पक्ष भी तो देखिए कि इतिहास में काफ़ी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर दो वर्ग आपस में समझौता करते हैं, सहयोग करते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं। तो हर बार हर जगह संघर्ष होना सही नहीं होता है, क्योंकि इतिहास में काफ़ी उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पे दो वर्ग, दो समुदाय या दो परिवार में सहयोग हुआ है और आप आगे मिलकर एक नया इतिहास दोहराया है या एक नया इतिहास रचा है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कह रहा है कि हर एज में वर्ग संघर्ष होता है और इतिहास की घटनाएं बदलती है, लेकिन ये पर्याप्त तो कारण नहीं है। हर बार संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि काफी बार देखा गया होगा कि सहयोग तत्व भी इनमें मौजूद होता है। बात करें दूसरा आलोचना का पॉइंट जो आपको समझाएं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं, समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं। बिल्कुल डियर, एकदम सही बात यहाँ पर कही है। क्या इतिहास में हमेशा, मतलब अगर इतिहास को उठा के देखें तो क्या दो ही वर्ग होते हैं क्या? बाकी वर्ग होता ही नहीं है। अगर हम ऐसे देखें तो दो वर्ग नहीं होते। कार्ल मार्क्स यहाँ पर अपने विचारों को हम इस जगह हम इनकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भले ही अमेरिकी गरीबी के मध्य ये दो वर्ग होते हैं, लेकिन जाति के आधार पर भी वर्ग होते हैं, धर्म के आधार पर भी वर्ग होते हैं, या हम कहें कि पूंजी आधार पर भी वर्ग होते हैं, या रंग भेद के आधार पर अलग अलग वर्ग होते हैं, ठीक है, समाज में संबंधों के आधार पर भी अलग अलग वर्ग बनते हैं। तो यहाँ पर अगर बताएं तो समाज में कार्ल मार्क्स ने कहा है सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, दो वर्ग मतलब एक तो शोषण करने वाला, एक शोषण होने वाला, यानी एक मालिक एक दास। लेकिन हर बार मतलब अगर देखा जाए, एक बेसिकली चीज देखी जाए ना कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, एक और वर्ग भी होता है अगर बेसिकली देखा जाए, मध्यम वर्ग। यानी एक वर्ग होता है जो पूंजी पर वर्ग होता है, एक होता है जो कमजोर वर्ग होता है, लेकिन अगर आपने देखा हो इतिहास के उदाहरणों में एक मध्यम वर्ग भी होता है। यानी अगर इतिहास की क्रांति जहां जहां आप देखें, जहां पे भी क्रांति हुई है, तो उसमें बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग की भूमिका रही है, क्योंकि श्रमिक वर्ग बहुत कमजोर होते हैं और उनको आगे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता है कि आगे जाकर वो अपनी बात रखे। तो इस निम्न वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए मध्यम वर्ग इनका सहयोग करता है, क्योंकि मध्यम वर्ग है वो उच्च और निम्न वर्ग के बीच पीसते हैं। तो इतिहास में अगर एग्जाम्पल उठाकर देखें सिर्फ दो ही वर्ग नहीं मिलेंगे, इसके अलावा और भी वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने सिर्फ दो वर्ग कहा था, ये पूरी तरह सही नहीं होता है। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो सामाजिक और आर्थिक वर्ग, सामाजिक या आर्थिक वर्ग एक ही नहीं, बिल्कुल। कार्ल मार्क्स ने तो क्या कह दिया है, सामाजिक और आर्थिक को एक ही वर्ग मान लिया, यानी समाज में अंदर, समाज के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां होती है, तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने सामाजिक और आर्थिक एक ही वर्ग कमाइंड कर लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों अलग होता है। जैसे देखा जाए तो समाज में जैसे धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ण, योग्यता, ये है वो सामाजिक स्तर का निर्धारण करते हैं, ठीक है, और जनता के आधार पर इनमें विभाजन भी होता है। तो इस तरह से मार्क्स के द्वारा आर्थिक और सामाजिक वर्गों को एक मानने के कारण यहाँ पे भूल की गई है, क्योंकि समाज आर्थिक आधार पर भी अलग वर्ग बनते हैं, अमीर गरीब, और समाज के आधार पर भी अलग वर्ग बनते हैं, समानता असमानता के आधार पर, या फिर भेदभाव के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वर्ग को भी आर्थिक वर्ग में इन्वॉल्व कर दिया, जो पूरा नहीं है, पूरी तरह से सत्य हम नहीं मान सकते। इसके अलावा जैसे हम बात करें, आपको मैंने अभी बातों बातों में ही समझाया था, ठीक है ना, कि श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है क्रांति। आपको वो भी बताया भी था कि इतिहास की घटनाओं को अगर देखा जाए तो जैसे मैं एक सिंपल बात बताऊं, एक होता है पूंजीपति, कौन होता है पूंजीपति, ठीक है, एक होता है श्रमिक वर्ग, कौन होता है, इन
इनका विरोध करने के लिए सिर्फ ये सफिशियंट नहीं होते, ये दो ही वर्ग हैं वह क्रांति को जन्म नहीं देते। क्रांति को जन्म देने के लिए जागरूकता, सतर्कता और संगठन की जरूरत होती है। तो इतिहास के उदाहरणों को देखें तो जागरूकता है वो मध्यम वर्ग के मध्य होती है, यानी एक ऐसा वर्ग जो न तो पूंजीपति है न श्रमिक वर्ग है, वो इन वर्ग के मध्य आता है और तो और वो एक समान स्थिति लाने के लिए कभी कभार इनका और कभी इनका सहयोग देता है। तो और इसलिए हम देखा जाए तो इतिहास में जितनी भी घटनाएं होती है, जो भी क्रांतियां हुई है, उन क्रांति में मध्यम वर्ग की भूमिका रही है, यानी बिचोला। और यह क्या करता है, इनको संगठित करता है और इन श्रमिक वर्ग को नेतृत्व है मध्यम वर्ग प्रदान करता है ताकि ये पूंजीपति के लिए मैदान पे खड़े हो जाए। तो श्रमिक वर्ग के लिए, यानी यहाँ पर हम देखें कि कॉल मार्क्स ने मध्यम वर्ग को यहाँ पर काउंट नहीं किया गया, जबकि देखा जाए क्रांति के पीछे दिमाग जरूरत होती है और ये दिमाग मध्यम वर्ग बुद्धिजीवियों के पास ज़्यादा होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। बिल्कुल, कॉल मार्क्स ने एक जगह कहा था, आपको मैंने शुरुआत में बताया था, कॉल मार्क्स ने कहा कि आज तक का जो इतिहास है वो दो वर्गों के मध्य संघर्ष का इतिहास है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में कि हर एज में, हर अगर एज को देखा जाए, युग को देखा जाए, तो जरूरी नहीं कि दो वर्गों के मध्य संघर्ष होने से ही वो इतिहास बदला है या इतिहास की घटनाएं हुई है। कुछ ऐसे भी लॉजिक होते हैं, ऐसे भी कारण हैं जिस वजह से इतिहास बदला। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अपने रामायण को देख लीजिए, ठीक है, या इसके अलावा गौतम बुद्ध के संन्यास जीवन को देख लीजिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन को देख लीजिए। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो घटनाएं बदली और इतिहास भी बदला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही वर्ग नहीं थे, यहाँ पर उनके साथ कुछ और वर्ग और समुदाय और परिस्थितियाँ भी होती है। कुछ परिस्थितियाँ भी होती, कहते ना कि कोई व्यक्ति किसी कारण गुस्सा होता है तो सिर्फ गुस्से का कारण नहीं होता, कुछ परिस्थितियाँ भी मौजूद होती है जो उसमें उस भावनाओं को उजागर कर देती है। तो सिर्फ वर्ग ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है इतिहास बदलने के लिए, कुछ परिस्थितियाँ, घटनाएँ और कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जो इतिहास को बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको समझा दिया। अब कॉल मार्क्स का एक और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, एग्जाम में ज्यादातर आता रहता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो समझ लीजिए। कॉल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, देखो ये बेसिकली सिंपल सा बताते हैं आपको, ठीक है ना। पहले हम ये बात करते हैं कि कॉल मार्क्स ने इस सिद्धांत का जो वर्णन है वो अपनी कौन सी पुस्तक में किया था। मैंने पहले भी कहा था, एक पुस्तक वापस आएगी, दास कैपिटल। कौन सी आएगी? दास कैपिटल। दास कैपिटल के अंतर्गत कॉल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत की बात कही है। हाँ, मतलब क्या कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य की। तो डायरेक्ट मैं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पर अगर आऊं तो ये समझ में नहीं आएगा। पहले मुझे आपको ये समझाना होगा कि वर्ग संघ अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से पहले मूल्य के श्रम सिद्धांत को आपको समझाना होगा। तो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये तो सीधा सा है, लेकिन इसको आपको अपने उत्तर को संतोषजनक जवाब देने के लिए आपको मूल्य का श्रम सिद्धांत समझाना होगा। मूल्य का श्रम सिद्धांत, देखिए इसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो मूल्य होते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो मूल्य होते हैं। कितने मूल्य होते हैं? दो मूल्य। मार्क्स कहता है किसी भी वस्तु के दो मूल्य होते हैं। मैं दोनों मूल्य को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में नोट करते जाइएगा। एक तो होता है उपयोग मूल्य, एक होता है विनिमय मूल्य। अब देखो उपयोग मूल्य क्या होता है कि कोई चीज जब जरूरत होती है ना तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। सिंपल सी जैसे बात बताएं कि पानी है, ठीक है ना। अब अगर किसी को प्यास नहीं है तो उसके लिए उस पानी का मूल्य कोई ज़्यादा नहीं होता है या फिर मूल्य कम ही होता है, लेकिन जो प्यासा है उसी को पता होता है कि भाई ये पानी कितना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना?
उपयोग का मूल्य, यानी कोई वस्तु कितनी उपयोगी है उस आधार पर उसका मूल्य आका जाता है। अब जैसे बात करें, अब अगर इस समय आपको कहा जाए आपको स्वेटर है लाना है, तो आज के समय स्वेटर सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे? सस्ते मिलेंगे, क्योंकि आजकल अभी वर्तमान में स्वेटर की डिमांड नहीं है, स्वेटर का भी उपयोग नहीं हो रहा है, तो स्वेटर का मूल्य ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आज इस समय आप कूलर या एसी लेने जाएं तो उसका मूल्य बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस अब ये वस्तु का मूल्य किस आधार पर डिपेंड हो रहा है? उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग, यानी प्यासा ही समझ सकता है पानी की कीमत। दूसरा है विनिमय मूल्य। दूसरा क्या है? विनिमय, यानी जैसे विनिमय मतलब होता है ना वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। जैसे आपको अगर कहें एक टन गेहूं के बदले दो थान कपड़ा, एक टन गेहूं के बदले दो टन या दो थान, तो एक एक पक्ष ये बेच रहा है उसके बदले ये मिल रहा है, तो वस्तु विनिमय हो गया। यहां पर समझ में आ गया ना वस्तु विनिमय का मतलब, यानी वस्तु के बदले वस्तु, तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। या हम यही कहें एक टन गेहूं के बदले 1000 रुपये की राशि दी जाती है, तो ये एक टन गेहूं का वस्तु विनिमय हो गया। लेकिन उपयोग मूल्य क्या होता है कि कोई वस्तु कितनी उपयोगी है उस आधार पर उस वस्तु का मूल्य आका जाता है। तो अगर आपको अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंदर श्रम मूल्य सिद्धांत समझ में आ गया है, तो अब मैं सीधा आ जाता हूँ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, क्योंकि ये आप यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पर ये मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि इन दोनों के लिए श्रम मूल्य बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा मूल्य? श्रम मूल्य। देखिए अब यहाँ पर समझाने का मतलब है कि कोई वस्तु का उपयोग मूल्य निर्धारित करता है, कोई वस्तु कम या ज़्यादा, वस्तु विनिमय। अब इन दोनों के पीछे एक बेसिक कारण होता है श्रम मूल्य, मेहनत। अब अगर यहाँ पर देखी जाए, यहाँ पर देखी जाए मेहनत तो दोनों के लिए समान की जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर वस्तु, मैं सिंपल बात करूँ कि आज के समय आप मान लीजिए अभी इस समय स्वेटर लेने जाते हैं, ठीक है, तो स्वेटर अब मान लीजिए सीजन में मान लीजिए 100 रुपये मिलते हैं, बेसिक बता रहा हूँ, या ऐसे सिंपल 1000 रुपये में मिलता है। जब सर्दी का मौसम होता है तो स्वेटर कितने में मिल रहा है? 1000 रुपये में। अब आप लेने जाएंगे तो 300-400 में मिलेगा। लेकिन अब उस स्वेटर को बनाने के लिए मेहनत की मजदूरी है वो तो उस मालिक, उस काम करने वाले को उतनी ही मिली है। समझ में आ रहा है ना? मेरे कहने का तात्पर्य है, जैसे अगर आप कहें एक श्रमिक ने एक स्वेटर बनाया तो उसे तो उतना ही मूल्य दिया गया जितना देना था। अब वो वस्तु सर्दियों में महंगी बिकी, गर्मियों में सस्ती बिकी, लेकिन उस समय उस श्रम का मूल्य नहीं आका गया। वस्तु विनिमय में भी श्रम का मूल्य नहीं आका जाता है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ अतिरिक्त मूल्य के बारे में। तो अब देखिए कि अतिरिक्त मूल्य में श्रम मूल्य का महत्व होना सही है, मैं समझाने का यही मतलब है। तो अब यहाँ पर देखें मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, तो हमें यही लगता है कि कोई वस्तु कितने ऊँचे दाम पर बेची जाती है उस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल देखते हैं अतिरिक्त मूल्य। देखो अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊं, ठीक है। जैसे एक सिंपल एक कोई उदाहरण ले लेता हूँ जिससे आपको सीधा समझ में आ जाए। हम लेते हैं एक साड़ी के बारे में, ठीक है, एक साड़ी। अब उस साड़ी को बनाने के लिए श्रमिक लगे थे, कौन लगे थे? श्रमिक। एक साड़ी बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ एक साड़ी को बनाने के लिए मान लीजिए एक श्रमिक की बात करता हूँ, 100 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? और उस साड़ी को बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी उस मालिक के द्वारा, ठीक है, वो कितने लगेगी? 8 रुपये लगेगी। कितने रुपए लगेगी? 8 रुपये। यानी 8 रुपये में उस सामग्री और उस पूंजीपति के द्वारा लगाया पैसा सभी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 8 रुपये और 6 रुपये मिलकर कितने होते हैं? 14 रुपये। कितने रुपये हो गए? 14 रुपये। अब उस मालिक ने उस वस्तु को बाजार में जो बेचा है कितने रुपये में वो बाजार में गई? वो 20 रुपये में। कितने रुपये में गई? 20 रुपये। अब देखिए वस्तु कितने रुपये में बनकर तैयार हो गई? 14 रुपये में, ठीक है। कितने रुपये में बेची गई? 20 रुपये। कितना रुपये का यहाँ पर अंतर आ रहा है? 6 रुपये। अब ये जो 6 रुपये है
वह 6 रुपए क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य। और ये जो 6 रुपए जो अतिरिक्त मूल्य है, ये पूरा का पूरा पूंजीपति अपने जेब में डाल लेता है। अगर देखा जाए लॉजिकली तो कॉल मार्क्स कह रहा है कि पूंजीपति ने पैसे लगाए, सामग्री लगाई और अपना प्रॉफिट देखा, तो इस अकॉर्डिंग पूंजीपति ने अपने 8 रुपए ले लिए, श्रमिकों को 6 रुपए मिले, तो इस अकॉर्डिंग वस्तु 14 रुपए में मार्केट में बिकती है, तब तो श्रमिक वर्ग के साथ न्याय है। लेकिन अगर वस्तु आप 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो जो 6 रुपए हैं वह 6 रुपए वो पूरा का पूरा पूंजीपति अपने जेब में डाल रहा है, ये गलत है। इस 6 रुपए का भी लाभ के हिसाब से बंटवारा होना सही है, लेकिन पूंजीपति वर्ग है वो उस आय अतिरिक्त मूल्य को अपने जेब में डाल देता है, और यही से अतिरिक्त मूल्य की यहाँ पे बात स्पष्ट होती है। क्योंकि जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, श्रम सिद्धांत बताया कि भाई एक वस्तु को बनाने में मेहनत लगती है और वह उपयोग के आधार पर उस वस्तु का मूल्य कम और ज़्यादा होता है, लेकिन मेहनत का रुपया उसे उतना ही मिलता है। लेकिन अगर वस्तु ऊँचे दाम पे जा रही है तो उसे मेहनत आना यानी रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो अतिरिक्त मूल्य है, 6 रुपये जो अतिरिक्त मूल्य है, वह जो पूंजीपति होते हैं, कौन पूंजीपति इसको स्वयं लेते हैं, जिससे श्रमिक वर्ग शोषण की कैटेगरी में आते हैं। शोषण की श्रेणी में आते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया हिंदी अनिवार्य क्लास कितने बजे होगी? डियर, ये मैं आपको अभी अपने हिस्ट्री की क्लास चलेगी ना फर्स्ट ईयर की, उसी बीच में मैं आपको बता दूंगा कि हिंदी अनिवार्य की क्लास है वो कल कितना बजे होगी, ठीक है ना? तो अब जैसे मैं आपको बताया 8:30 बजे अपने हिंदी अपने हिस्ट्री की क्लास लगने वाली है, तो उसी बीच में आपको बता दूंगा। तो ये एक सिंपल एक एग्जाम्पल बताया, आपका जब एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको यही उदाहरण लिख देना है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि एक वस्तु जैसे साड़ी है, उसको बनाने में श्रमिकों को 6 रुपए मिले बनाने में, वस्तु 8 रुपए की डाली, कुल मिलाकर वस्तु 14 रुपए में तैयार होगी, लेकिन वह 16-20 रुपए में जा रही है, तो 6 रुपए अतिरिक्त मूल्य है उसका पूंजीपति बंटवारा न करके वो पूरा अपने जेब में डालते हैं, और यही अतिरिक्त मूल्य है, और यही विचार कॉल मार्क्स ने दिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 6 रुपए है ना, ये 6 रुपए अतिरिक्त मूल्य है और इसका बंटवारा पूंजीपतियों को लाभ के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 रुपए हैं इस पर अकेले पूंजीपतियों का हक नहीं है, क्योंकि मजदूरों ने अपनी मेहनत, खून पसीने की मेहनत इसमें लगाई है और उससे वो मूल्य प्रकट होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कॉल मार्क्स ने कहा कि इसके द्वारा क्या करते हैं, पूंजीपति हैं वह मजदूरों का शोषण करते हैं, क्योंकि पूंजीपति द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीपति व्यवस्था में अन्याय है। तो यहाँ पर मैं आपको 1-2-3 इसके कारण बता देता हूँ जो बताते हैं कि भाई अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है वह क्यों शोषण आलोचना का कारण बनने वाला है। तो उसके पीछे कॉल मार्क्स पहले तो अपने पक्ष दे रहा है। कॉल मार्क्स कह रहा है पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य यानी पूंजीपतियों के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि वो वस्तु है वो कितने 14 रुपए में बनकर तैयार होती है, लेकिन 20 रुपए में मार्केट में जाती है, तो इस तरह से वो जो 6 रुपए, ये जो 6 रुपए हैं वो अतिरिक्त मूल्य है, तो पूंजीपतियों द्वारा वो जो 6 रुपए जो है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेते हैं। और ये आधुनिक समय में यानी आज के समय में आधुनिक पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार शोषण या मजदूरों के साथ अन्याय किया जाता है। तो कॉल मार्क्स आपने यहां पर कह रहा कि इस तरह से शोषण हो रहा है। इसके अलावा देखी जाए तो दासों और श्रमिकों की स्थिति में
इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए अच्छी होती है, लेकिन दासों श्रमिकों की स्थिति में अगर देखा जाए तो इस तरह से जो पूंजीपति हैं वो अतिरिक्त मूल्य अपने हाथों में रखते हैं, तो जो श्रमिक वर्ग है वो ऊंचे नहीं उठ पाते या उनके पास अच्छी इनकम नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि यही वो अतिरिक्त मूल्य है जो मजदूरों को अपनी स्थिति सुधार सकता है, मजदूरों की स्थिति अच्छी बन सकती है, लेकिन जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजीपति अपने जेब में डाल देते हैं और इस वजह से श्रमिक वर्गों की स्थिति वो सुधार नहीं सकती है। और यहाँ पर यही कहा गया है कि पूंजीपति के द्वारा इस प्रकार का ये व्यवस्था करने से मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और ये पिछड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा गया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपतियों के साथ मजबूरी जुड़ जाता है और पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये रखा जाता है क्योंकि श्रमिक वर्ग के पास उत्पादन के साधन खरीदने के पैसे नहीं हो पाते, इसलिए वे इस श्रमिक एक शोषण का शिकार होते हैं और जो पूंजीपति है वो नाम मात्र पैसों पर श्रमिक वर्ग की श्रम मूल्य खरीद लेते हैं और उसको कम पैसे पर ज़्यादा मजदूरी करवाते हैं। तो इस तरह से ये श्रमिक मूल्य उत्पादन होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना कि वस्तु 20 रुपये में बिक रही है, श्रमिकों को 6 रुपये दिए और वस्तु 8 रुपये में लाई और इस तरह से वस्तु 14 रुपये में तो आ रही थी लेकिन वो वस्तु कितने में बेची? 20 रुपये में। तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि भाई अगर आप उस श्रमिक को उसकी मजदूरी के हिसाब से पेमेंट नहीं दे रहे, आपने उसको उसकी मेहनत के हिसाब से कम पेमेंट दिया, अगर आप उसको 10 रुपये भी देते तो इस तरह से उसकी उसकी श्रम का मूल्य सही देते, आप उसे उसके श्रम का मूल्य सही देते तो ये 18 रुपये हैं वो इसमें आ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने अतिरिक्त यानी पूंजीपति लोगों ने अतिरिक्त मूल्य उत्पादन कैसे किया है, श्रमिकों के हक से लिया है। मतलब श्रमिकों को 10 रुपये मजदूरी देनी थी लेकिन कितनी दी? 6 रुपये दी। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है ना ये श्रमिक वर्ग को श्रमिक उनकी खुद की मेहनत का रुपया है जो पूंजीपति अपने पास ले रहे हैं, क्योंकि अगर श्रमिकों को उचित श्रमदान मेहनत और पैसे दिए जाते तो अतिरिक्त मूल्य उनके इच्छे का था, लेकिन इनको कम पैसे देकर वो अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति अपने जेब में डाल देते हैं। यहाँ ये पूरा सिद्धांत समझ आ गया। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की आलोचना। देखिए डियर ध्यान रखिएगा, आज जितने भी मैंने पढ़ाया ना हर एक सिद्धांत की आलोचना बताइए, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जो भी विचार होंगे ना उसकी आलोचना भी जरूर आएगी। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना। आलोचनाओं पे ध्यान दीजिएगा डियर। पहली ये, श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं। पहला, श्रम उत्पादन का एकमात्र। अब कॉल मार्क्स देखो यहाँ पर कहता है सर चैप्टर 5 की भी कराओगे, देखो करवा तो सकते थे लेकिन फिर क्या आज हिस्ट्री की होने वाली है ना, तो अब ऐसा करते हैं कि आपके कॉल मार्क्स के साथ ही यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट 4 के अंदर आ रहा है, तो कॉल मार्क्स के पढ़ाने के साथ ही यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, आपके सिर्फ 5वीं यूनिट एक यूनिट बाकी रहेगी और मैं सोच रहा हूँ इस एक यूनिट को आपके पेपर फर्स्ट के बाद करवा दें तो ताज़ी काम आ जाएगी, ये भी रिवीजन करवा देंगे, 5वीं यूनिट करवा देंगे, क्योंकि कल से पेपर फर्स्ट करते हैं शुरू, अन्यथा पेपर फर्स्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो 5वीं यूनिट है ना वो अपन पेपर 2 के मैराथन क्लास में समाप्त कर लेंगे जब वो उसका एग्जाम नज़दीक होगा। फिलहाल हम कल से ऐसा करते हैं पेपर फर्स्ट को शुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। मानव सिंह और जो भी देख रहे एक बार अपने राय दीजिए, क्या जो अपने एक आइडिया हमें आपके सामने रखा है वो सही लग रहा है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखिए श्रम सिद्धांत यानी पैसों का, तो यहाँ पर कहा गया है कि आलोचना हम कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ मजदूरों की मजदूरी ही अतिरिक्त मूल्य उत्पादन नहीं करती है। जैसे मान लीजिए श्रमिकों को 6 रुपये दिए और एक्स्ट्रा जो पैसा 6 रुपये वो पूंजीपति अपने जेब में डाल रहे हैं, तो ये जो 6 रुपये है अतिरिक्त मूल्य है, ये अतिरिक्त मूल्य जो 6 रुपये जो बच रहे हैं ना ये श्रमिकों के द्वारा उत्पादन किया गया मूल्य नहीं है, क्योंकि एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं लगती है, पैसा लगता है, कच्चा माल लगाते तो कच्चा माल लगता है, इसके अलावा जो भी मालिक होता है वो अपना कहते हैं ना कि पैसों के साथ साथ अपना खुद का
पूरा लगा, पूरा मन तन उसमें लगा देता है। यानी मानसिक श्रम भी तो होता है ना, जैसे मार्केटिंग करना, उसके बारे में सोचना, उसके लिए प्रोडक्ट पॉलिसी बनाना, कोई वस्तु कितने पैसे में बेचनी है, कब बेचनी है, कितने समय बेचनी है, क्या पॉलिसी बनानी है। तो इस तरह से एक वस्तु को उत्पादन करने में सिर्फ श्रम मूल्य ही नहीं लगता है, एक तरह से मानसिक श्रम भी लगता है, और वह यहाँ पर मार्क्स ने नहीं बताया। ओके सर, सही है, 11-12 मे को करा देना। हाँ बिल्कुल, वह तब करा देंगे। तो इस तरह से सिर्फ मेहनत ही नहीं है जो अतिरिक्त मूल्य को उत्पादन कर रही है, इसके अलावा शारीरिक श्रम भी होता है, मानसिक श्रम भी होता है, मानसिक श्रम है, और इसके अलावा जो पैसा लगाते हैं उसकी रिस्क भी तो होती है ना, यानी पैसों की रिस्क, और वह पूंजी बुद्धि अकेले उठाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अतिरिक्त मूल्य उत्पादन करने में सिर्फ श्रम ही नहीं है, मानसिक श्रम भी होता है और रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। बात करें दूसरी, तो पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं, ये सही बात है। बिल्कुल, यहां पर कहा कि पूंजीपति कच्चा माल लाता है और पैसे लगाता है, बस यही पूंजीपति कर सकता है, लेकिन नहीं, एक वस्तु को मार्केट तक पहुंचाने के लिए पूंजीपति पूरा उसके साथ जुड़ा रहता है, पैसे लगाता है, रिस्क माल लाता है, इसके अलावा वो माल की क्वालिटी वो डिसाइड करता है, फिर उसकी उस चीज़ को कितनी खूबी तक बना के किस पॉलिसी में बेचना है, कितनी प्राइस तय करना है, ठीक है। यानी ये पूरी तरह से एक मानसिक श्रम भी तो लगता है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के द्वारा लगाया गया पैसा ही मार्क्स देख रहा है, लेकिन इसके अलावा पूंजीपति और भी तो खर्चा करता है, उसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे अगर आप देखा जाए आज के समय, तो आपको पता होगा एक वस्तु को मार्केट तक लाने में, बेचने में काफ़ी खर्च होता है। आज के समय कौन सी वस्तु मार्केट में चलेगी, तो पूंजीपति वस्तु बनाने से पहले पहले मार्केट में सर्वे करवाता है कि भाई मैं कौन सी वस्तु बनाऊँ जो ज़्यादा चले। या आज के समय में मान लीजिए कि नोकिया या कोई और कंपनी फ़ोन बना रही है, तो मार्केट में पहले सर्वे करेगी भाई कैसा फ़ोन मार्केट में लाऊं या क्या खूबियों वाला लाऊं ताकि वो बने, और इसके बाद फिर वो पैसा और श्रमिक है लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ही पूंजीपति अपना पैसा डालना शुरू कर देता है, तो ये मार्क्स ने काउंट नहीं किया है। तीसरा, मानसिक श्रम की उपेक्षा, बिल्कुल मैं यही कहा था अभी। यानी कॉल मार्क्स ने आज के समय क्या है कि दिमाग जो जितना चलता उसका भी तो पैसा मिलता है, जैसे बात करें शेयर मार्केट, अब शेयर मार्केट में पैसे लगा दिया वो जरूरत नहीं होता है, शेयर मार्केट में आपका दिमाग कितना एक्टिव चल रहा है, आप कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, कब निकाले, किस कंपनी में लगा रहे हैं तो कब निकालना, एक मतलब पॉलिसी दिमाग का ही तो खेला होता है। या हम कहें पैसों से पैसा बनाते हैं, कोई कहता है ना पैसों से पैसा बनाता है, तो पैसों से पैसा नहीं बनता, उसके पीछे दिमाग भी होता है कि पैसा कहाँ पर कहाँ लगाए ताकि पैसे से पैसा बने, पैसा डूबे नहीं, तो ये मानसिक श्रम भी होता है, वो यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। इसके अलावा ये सिद्धांत अस्पष्ट, और ये सिद्धांत हम पूरा स्पष्टपन कहें कि सिद्धांत अस्पष्ट है। यानी पूरी तरह से सीधा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कॉल मार्क्स ने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे नज़रअंदाज किया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में सिर्फ कॉल मार्क्स ने श्रम के मूल्य को यहाँ पर ध्यान दिया गया, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं जो यहाँ पर कॉल मार्क्स ने नहीं बताए हैं। यानी एक तरह से अस्पष्ट सिद्धांत होता है, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके अलावा राज्य और शासन संबंधी मार्क्स के विचार देख लीजिए फटाफट। कॉल मार्क्स के अकॉर्डिंग राज्य और शासन संबंधी विचार, तो देखिए राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद, कॉल मार्क्स कह रहा है राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभेद, जैसे हॉब्स लॉक और रूसो ये कहते हैं एक राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है, लेकिन कॉल मार्क्स कह रहा है एक राज्य की उत्पत्ति है वो दो वर्गों के मध्य अंतर विभेद और संघर्ष की वजह से हुई है। तो कॉल मार्क्स सामाजिक समझौता सिद्धांत को नहीं मानता, कॉल मार्क्स कह रहा है एक राज्य की उत्पत्ति के पीछे किसका हाथ है, वर्ग विभेद का हाथ है। यानी जैसे अगर हम बात करें
तो स्वामी और दास, पूंजीपति और श्रमिक, इस तरह से वर्ग विभेद होने से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये कौन कहता है? ये कार्ल मार्क्स कहता है। यानी कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति के बारे में वर्ग विभेद को स्वीकार करता है। इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे वन वन करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सा इसका सटीक आंसर ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें राज्य शासन शोषण के यंत्र। राज्य और शासन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि एक राज्य है ना, एक राज्य या राज्य का जो राजा है या जो भी शासन चलाने वाला है, वे शोषण के यंत्र है। यानी मान लीजिए एक राज्य होता है, एक राज्य जब अस्तित्व में होता है तो वह क्या करता है, पूंजीपतियों को ज्यादा संरक्षण प्रदान करता है और श्रमिक वर्ग को संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो राज्य के द्वारा पूंजीपतियों को संरक्षण देने से पूंजीपति और ज्यादा शोषण करते हैं। यानी एक राज्य के होने से शोषण ज्यादा होता है, क्योंकि राज्य के अंदर शासन करने वाले शासक गण भी है, वह भी शोषण करते हैं। तो राज्य को और शासन को कार्ल मार्क्स ने क्या माना है, शोषण का यंत्र। यानी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा शोषण होता है। समझ में आ गया। बात कर रहे हैं कि राज्य शासन संबंधी विचारों के अंतर्गत, तो नेक्स्ट विचार है अंतरिम काल में सर्व वर्ग का अधिनायक तंत्र। अंतिम या अंतरिम, अंतरिम यानी पूरी तरह से नहीं लेकिन अंतरिम रूप में, अंतरिम काल में श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र, या हम कहें सर्वहारा वर्ग, सभी वर्ग एक जैसे हो जाएंगे। देखो सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है कि कोई वर्ग नहीं होना, यानी न तो पूंजीपतियों का कोई वर्ग का बोलबाला होगा, न श्रमिक वर्ग का होगा। एक ऐसा वर्ग होगा जो मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां पे सभी वर्ग इक्वलिटी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कहने का मतलब है सर्वहारा वर्ग। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य की जरूरत नहीं क्योंकि वो शोषण का यंत्र है, और इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति है वह वर्ग विभेद से हो जाती है। तो इसके क्या होगा कि अंतिम रूप में राज्य की व्यवस्था में एक ऐसा वर्ग होगा जिसका सभी राज्य के हर वर्ग पर अधिनायक होगा, मतलब सर्वहारा वर्ग। यानी कोई वर्ग ही नहीं होगा, सभी वर्ग एक समान एक जैसे होंगे, तो इसी को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। तो ये वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया, नेक्स्ट जो आप बताना चाह रहा हूँ, राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना का आदर्श। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कार्ल मार्क्स कह रहा है कि राज्य शोषण का यंत्र, राज्य होता है तो शोषण होता है और वर्ग होंगे तो लड़ाई झगड़े संघर्ष होगा। तो इसलिए समाज का आदर्श किसमें निहित है कि राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज होगा तो भी एक समाज वो आदर्श सभी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स शासन और राज्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, कार्ल मार्क्स के प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में विचार। कार्ल मार्क्स ठीक है, कार्ल मार्क्स धर्म संबंधी विचार, अलग अलग तीनों विचारों के बारे में आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि छोटा प्रश्न एक दो नंबर का ऐसे आ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रवाद। तो कार्ल मार्क्स के इन तीनों विचारों के बारे में आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रजातंत्र क्या है। क्या कार्ल मार्क्स ने प्रजातंत्र को सही माना है? तो कार्ल मार्क्स ने प्रजातंत्र को एक तरह से अगर कहा जाए तो कार्ल मार्क्स प्रजातंत्र, या एक सिंपल सी बात करूं कि वह प्रजातंत्र संस्था को धनिकों की संस्थाएं कहता है। क्या कहता है? धनिकों की संस्थाएं। कार्ल मार्क्स प्रजातंत्र की एक मजाक उड़ाते कहता है कि कार्ल मार्क्स सिंपली ये कहता है कि प्रजातंत्र क्या है,
प्रजातंत्र सभी प्रजा का नहीं है, उस प्रजातंत्री व्यवस्था में कुछ शक्तिशाली पूंजी लोग जो होते हैं वो प्रजातंत्र को अपने हाथ में ले लेते हैं, और इस तरह से ये जो प्रजातंत्र है फिर वो धनिकों की संस्था बन जाती है। वह प्रजा हित का शासन नहीं होता, वह कुछ शक्तिशाली और पैसे वाले लोगों का एक संगठन बन के रह जाता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने प्रजातंत्र को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसने इसको धनिकों का शासन कहा है और ये शोषण का यंत्र होता है। तो अंतिम रूप में प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र के द्वारा क्या होता है, शोषण होता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा प्रजातंत्र है वह न होकर उसकी जगह कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, श्रमिक वर्ग का अधिनायक। क्लियर हो गया। धर्म संबंधी विचार के बारे में सुन लीजिए, धर्म संबंधी विचार। क्योंकि कार्ल मार्क्स बहुत एक क्या ना ऊंचा पोचा हुआ इंसान है, मतलब अपने एक विचारक है। इसने कहा कि धर्म अफीम के समान है, ये लाइन आ सकती है, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी। अफीम का मतलब पता ना, नशे वाला पदार्थ, कि भाई धर्म एक नशे की तरह है, कि लोग अगर धर्म के आदि हो जाते तो फिर वो उस धर्म के प्रति आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। जैसे एक सिंपल अगर एग्जांपल बताओ कि आसाराम जी बापू है या फिर ऐसे कोई दो विद्वान है, वो धर्म के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, लोग उस व्यक्ति के विश्वास और उस धर्म के प्रति आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। यानी अगर वो धार्मिक गुरु अगर गलत भी कर रहा है तो लोगों की आंखों पे वो धर्म की पट्टी बन जाती है और वो सही गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है, क्योंकि लोग इस धर्म के इस आड़ में नैतिकता को भूल जाते हैं, सही गलत को भूल जाते हैं, और ये एक मानवता के लिए अफीम की तरह काम करता है। तो ये समझ में आ गया, धर्म को इसने अफीम के समान समझा है। क्योंकि अगर सिंपली समझा जाए तो यहां पर मार्क्स ने यह कहा धर्म को जनता के शोषण का एक साधन मानता है। मार्क्स धर्म को जनता के शोषण का साधन मानता है। यानी दो तीन जो पर्याप्त कारण दिए वो बहुत ही सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग है वो भाग्यवादी हो जाते हैं और वह नैतिकता से न सोचकर एक आंखों पे पट्टी बांधकर एक अंधविश्वास की तरह विश्वास करते हैं, और ये जो प्रशासक होता है वो लोगों को धर्म के नाम पर बहला सकता है और उसे अपने मतलब या मजहबी यूज कर सकता है। जैसे धर्म के नाम पर युद्ध भी होते हैं तो ये धर्म के नाम पर लोगों के मध्य विभेद कर सकता है। बात करते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर कार्ल मार्क्स क्या कहता है, ये शायद अंतिम होगा। इसी के साथ अपनी जो ये सिस्टम है यानी कार्ल मार्क्स वाला ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई राष्ट्रवाद क्या होता है, एक राज्य के अंदर रहने वाले उन लोगों का उस देश के प्रति श्रद्धा भाव त्याग उस देश के लिए राष्ट्रवाद उत्पन्न करता है। यानी देश के लिए मर मिटने का जो भाव है, देश के लिए समर्पण और त्याग का जो भाव है, देश के लिए सहयोग का भाव है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर कहा है, कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं किया, यानी कहेंगे अस्वीकार। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स कह रहा है जो श्रमिक मजदूर होते हैं ना, उनका कोई देश नहीं होता है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, इसलिए मजदूरों के अंदर राष्ट्रवादी भावना आने की जरूरत नहीं, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना है वह शायद शोषण करवा सके। तो श्रमिक वर्ग है यानी मुसाफिर, श्रमिक क्या है, मुसाफिर है। आज यहाँ काम मिलेगा तो यहाँ काम करेंगे, उधर काम मिलेगा तो वहां करेंगे। तो श्रमिक एक मुसाफिर की तरह है, तो उसका ना तो अपना कोई ठिकाना ना कोई देश होता है, तो उनके लिए राष्ट्रवाद जैसा कोई तत्व जरूरत ही नहीं है, और राष्ट्रवाद को वो अस्वीकार करता है। इसी वजह से मार्क्स ने नारा दिया था, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने कहा विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, क्योंकि आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जग पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पूरा जग।
तो वर्ग संघर्ष और शत्रुता को कम करने के लिए, यानी वर्ग संघर्ष और शत्रुता को कम करने के लिए राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का कोई कारण नहीं है। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा, स्थायी शांति स्थापित हो जाएगी। तो हर मजदूर को अपने अपने हित के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी देश में जाएं, हर देश से वह कहीं ना कहीं शोषण को जन्म देता ही है। तो राष्ट्रवादी भावना है वो शोषण का अंत नहीं करती है, तो इसलिए मजदूरों के लिए राष्ट्रवाद जैसा कोई शब्द नहीं होता है। कॉल मार्क्स यहाँ पर का। गुड इवनिंग जी जगदीश जी, अभी आप आए हो क्या? अपनी क्लास अभी ख़त्म हो रही है और आज मैंने पूरा कॉल मार्क्स को कंप्लीट करवा दिया आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो आपको फाइनली बता देते हैं कि कॉल मार्क्स के बारे, कॉल मार्क्स ने इन तीनों के बारे में जो विचार दिए हैं, इनको अगर वास्तविक रूप में समझाऊं तो कॉल मार्क्स का प्रजातंत्र के बारे में ये जो सोचना है कि प्रजातंत्र धनिकों की संस्था है, तो ये गलत है, क्योंकि आज के समय प्रजातंत्र ही सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है और प्रजातंत्र को हर देश, हर आधुनिक संस्था, एक विकासशील देश ने स्वीकार किया है। तो प्रजातंत्र धनिकों की संस्था नहीं, प्रजा के लिए एक हितकारी संस्था होती है। बात करें धर्म, तो कॉल मार्क्स ने धर्म की जबरदस्त आलोचना की। धर्म को माना है कि धर्म है वह लोगों को भटकाता है, लोगों को कर्मवाद का मतलब, लोगों को एक अफीम की संख्या के समान इसने बताया। लेकिन देखा जाए कि धर्म लोगों के लिए एक मार्गदर्शन भी तय करता है, लोगों के अंदर विवेक पैदा करता है, लोगों के लिए धर्म है वह एक आध्यात्मिक पूर्ति भी करता है। तो धर्म को पूरी तरह से नेगेटिव नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रवाद के बारे में कहा गया कि अगर श्रमिक हैं वह किसी देश के साथ जुड़े रहेंगे तो उसके हितों का संरक्षण होगा, अगर श्रमिक किसी भी देश के प्रति बिलोंग नहीं रखते तो श्रमिकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक श्रमिक, एक मतलब व्यक्ति नागरिक का अस्तित्व तभी होता है जब वह किसी देश का नागरिक होता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो उसका अस्तित्व मजबूत होना चाहिए, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है। खुशबू, ओके। तो यहाँ से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, कॉल मार्क्स को मैंने आपको डियर पूरा समझा दिया है, क्योंकि इस बार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आने वाला नहीं है, इसलिए वो जरूरत नहीं था। बाकी मैंने कॉल मार्क्स को पूरा पूरा कंप्लीट करवा दिया है, यानी आपके 15 नंबर का या 7 नंबर का प्रश्न आता है या फिर 2 नंबर का भी प्रश्न आ जाए तो आज की क्लास से ही आएगा, ठीक है। तो नमस्ते, और अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि अभी थोड़े समय बाद हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी, तो इस दरमियान थोड़ा गैप रहेगा और फिर हम आएंगे हिस्ट्री की क्लास के लिए अपने सर के साथ। तो तब तक के लिए आज अपने सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट हैं वो लेट जुड़े हैं या फिर बाद में जुड़े हैं, तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी आज ये क्लास को शुरू से एंड तक देख ले, और कल से पेपर फर्स्ट शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आपके पेपर टू के जितने भी चैप्टर हुए हैं अब तक, 6 मैराथन क्लास हुई है और इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप काफ़ी जने ये कहते हैं कि सर हमें मैराथन क्लास मिल नहीं पा रही है, तो इस बार मैंने क्या कि एक प्लेलिस्ट बना दी है, और जो भी मैराथन क्लास हो रही है वो उस प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी एक मैराथन क्लास वो मिस हो जाए तो आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपके अरेंज कर लिया है, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, लेते हैं आपसे विदा, और आज के लिए आपको जो भी पढ़ा है उसको देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, और कल आइएगा टाइम पर। कल जो मैराथन क्लास होगी पेपर फर्स्ट की, उसका समय है वह अब फिक्स तो नहीं है, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब भी होगा वो आपके 4-5 बजे के बाद ही होगा, ठीक है। तो उस समय आप एक्टिव रहिएगा कि कब सर का नोटिफिकेशन आ रहा है यूट्यूब का और आप लाइव आ जाए, क्योंकि अब पेपर फर्स्ट की बारी है, तो बस बने रहना है और मैं आपको पूरी 100% तैयारी करवाऊंगा। तो विदा लेते हैं आपसे, कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो, सपोर्ट दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।